नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पे। और आज है संडे, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज कुछ हम लोग विशेष प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स हमें कितने याद हैं, है ना। आज संडे है और आज एक नया टाइम है, मॉर्निंग है, 7 बजे है। आई होप सभी लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, हर मीडियम पे बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी। आज धमाकेदार क्वेश्चंस होंगे और आज मैंने रखी है 3 कैटेगरी, गुड, बेटर और बेस्ट। हम लोग को देखना होगा कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। मतलब कहने का, अगर आपका स्कोर फॉर एग्जाम्पल 50+ रहता है आज, तो मतलब हमारी कंडीशन गुड है, हम बुरा तो कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ कि हमारा जो स्कोर हो गया, अगर मान लो 75+ होता है, तो याद रखना हम बेटर हैं। और अगर हमारा स्कोर 90+ होता है, इसका मतलब आज के सेशन के हम बेस्ट चैंपियन हैं। तो मुझे देखना है कि एट द लास्ट में आज कौन बेस्ट होता है, आज कौन बेटर होता है और आज कौन गुड होता है। तो मैं चाहता हूँ एक बार इधर जल्दी से, क्योंकि संडे है और सवेरे की नींद बड़ी प्यारी होती है दोस्तों, मुझे भी पता है, मैं भी सवेरे नहीं उठता हूँ, आज मैं उठा हूँ बस आप लोगों के लिए, ठीक है। तो भाई एक बार जल्दी से लिंक को कॉपी करो और जहाँ जहाँ जिस मीडियम पे आप सेशन को शेयर कर सकते हो, सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी होने वाला नहीं है। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक कर दो, तब और भी मज़ा आने वाला है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई। संजय सिन्हा जी, आई होप नींद पूरी हो गई होगी। एंड गणपा कौर, निधि तिवारी, दीक्षा, सभी लोग भाई मुझे बताओ नींद पूरी हुई कि नहीं आप लोगों की, है ना। लेकिन कुछ भी कहो, सवेरे उठने का मजा ही कुछ और है, मानते हो कि नहीं, सवेरे उठने का कुछ मजा ही कुछ और होता है ना। तो मुझे बताओ आज आप लोग कौन सी कैटेगरी में रहने वाले हो, गुड, बेटर और बेस्ट, बताओ मुझे जल्दी से। आप आज आप लोग कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हो, क्योंकि याद रखना पूरा सेशन देखना हम लोगों को, और आराम से देखेंगे। मेरे पास 100 क्वेश्चंस हैं, वो 100 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा रोटेट हुए हैं अगस्त मंथ में, तो आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक एवरीबॉडी, ठीक है। चलिए, और कहते हैं आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन कोट लेके आया हूँ। कहता है, विथ हार्ड वर्क एंड एफर्ट यू कैन अचीव एनीथिंग। मतलब कहने का, अगर आप में जज्बा है काम करने का, आप में रुतबा है काम करने का, हार्ड वर्किंग करने का, तो आप जीवन में हर कुछ को, हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है, आप कोशिश ही नहीं करेंगे। अब जैसे मान लो मैं डेली शाम को क्लास लेता हूँ, भाई सुबह नींद बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो आज छोड़ दिया जाए ऐसा नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। आपका हार्ड वर्क, आपका एफर्ट, याद रखना दुनिया में हर कुछ वो आपको अचीव कराएगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक सभी लोगों का क्लियर होगा। हाँ, ये भी थोड़ा बता देना मेरा कि वीडियो और ऑडियो दोनों ओके है कि नहीं टू एवरीबॉडी। देखो गुलपाग ने कहा कि मैं बेस्ट में रहूंगी, यार वेरी नाइस यार, हम तो चाहते हैं कि सभी बेस्ट में रहें। अभी धीरे धीरे सभी लोग उठेंगे और तब आएंगे। एक बार जरा ग्रुप में भी सभी लोगों को एक्टिवेट कर देना, ठीक है, मैं भी डाल दे रहा हूँ ग्रुप में, सभी को पता चल जाए क्लास लाइव हो चुकी है। मैंने भी शेयर कर दिया। चलो तो मिशन की शुरुआत की जाए, मुझे बताओ मिशन की शुरुआत की जाए कि कुछ और वेट कर लिया जाए विद्यार्थियों का। हाँ, मिशन की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे लोग इस कारवां में जुड़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो भाई सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करना है कि हम सभी लोगों को बेस्ट में रहना है, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 आयोजित किया, ठीक है। विथ विच कंट्री इंडिया हैज कंडक्टेड 5th ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम है काजिंद 21। आज का पहला क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि बेस्ट को अचीव करने के लिए इसकी शुरुआत की जानी चाहिए
और किसी का यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओ माय गॉड, ताहिर भाई गुड मॉर्निंग, काफी दिनों बाद आप आए। तो भारत ने किस देश के साथ पांचवा संयुक्त प्रशासन अभ्यास कांधे 21 आयोजित किया, आपको यह बताना है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से मैंने शुरुआत की है, बहुत ही शानदार, वेरी नाइस लालू जी, वेरी नाइस गुणपाक कौर, वेरी नाइस दीक्षा, वेरी नाइस संजय सिन्हा, वेरी नाइस निधि तिवारी। बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, बहुत ही शानदार बेटा। बहुत गुड मॉर्निंग भाई, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग है। तो इसका आंसर है ए नंबर, अगर आपको याद होगा। देखो इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो अगर आपको दिख रहा होगा आपको यहां पर साफ साफ, ये हो गया हमारा कजाकिस्तान और ये हमारा हो गया इंडिया, और अभी हाल ही में जो एक्सरसाइज हुआ है वो 21 में हुआ है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, कजाकिस्तान। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का भी पता होगा आपको, हाल ही में एक एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट सबमिट हुआ है 2021 में। आपको ये बताना है कि सबमिट कौन सी कंट्री में हुआ है। ठीक है, आपको ये बताना है ये सबमिट कौन सी कंट्री में हुआ है। ज्यूरिख में हुआ, जिनेवा में हुआ, मलेशिया में हुआ, उसके बाद मांडलियांग में हुआ। अच्छा, आपको याद होगा, सभी लोगों को मैंने कराया भी था, यूएनओ का याद रखना, यूएनओ का एक गोल होता है, इसको हम लोग कहते हैं एसडीजी गोल कहते हैं। ठीक है, और अगर आपको याद होगा इस गोल में टोटल 16 सेगमेंट हैं, जिन 16 सेगमेंट को यूएनओ का मानना है कि 2030 तक हम लोग इसको अचीव कर लेंगे। तो याद रखना, ये जो मीटिंग हुई है एसडीएम की, याद रखना ये जिनेवा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, जिनेवा में। अगर आपको याद होगा जिनेवा में एक चीज़ और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है हम लोग कहते हैं WHO, और याद रखना जिसको हम लोग कहते हैं WTO, याद रखना ये दो भी कहाँ पर है, जिनेवा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पता होगा हम सभी लोगों को, अफगानिस्तान पर तालिबान ने हमला किया, उसको अपने कैप्चर में लिया हुआ है। तो हर कंट्री अपने नागरिकों को वहाँ से इवैक्यूएट कर रही है, तो हमने भी किया विद द हेल्प ऑफ एयरलाइंस। तो हमने जो ये इवैक्यूएशन किया, इस मिशन को नाम क्या दिया इंडिया ने, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन सरद हवा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन संकल्प। What is the right answer? What the name has been given to India evacuation mission from Afghanistan? आपको ये बताना है। Very nice. बेटा निधि तिवारी, आज 7 PM पे कोई भी क्लास नहीं होगी, आज बस ये स्पेशल सेशन मैंने लेके आया है सवेरे, आज दिन में बाकी दूसरी कोई भी क्लास नहीं होगी। ठीक है बेटा, ज्योति ऑफलाइन की गारंटी तो नहीं ले पाऊंगा फिलहाल, अभी ऑनलाइन में हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं, है ना। तो याद रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, ये आने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। इसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या नाम है, ऑपरेशन देवी शक्ति के माध्यम से इंडिया से हमने क्या किया है, इवैक्यूएट किया है वहाँ के लोगों को जो भारतीय हैं। कहाँ से, अफगानिस्तान से। अगर मैं अफगानिस्तान के बारे में बोलूँ तो अगर आपको याद होगा, इसको यहाँ की जो करेंसी होती है अफगानी होती है, पता नहीं अब आगे रहे कि नहीं, क्या पता चेंज हो जाए। और यहाँ की राजधानी काबुल है, यहाँ की जो राजधानी है वो काबुल है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति थे, जो भाग्य बेचारे जान बचा के, उनका नाम अशरफ गनी साहब हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। ऐसा कौन सा स्टेट है, विच स्टेट has been celebrated, जिसका नाम है वंचुवा फेस्टिवल, जहाँ पर एक प्रकार का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसका नाम है वंचुवा महोत्सव 2021 मनाया गया। हरियाणा है, राजस्थान है, गोवा है या आसाम है। What is the right answer? राहुल पांडे जी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों भाई, सभी लोग सेशन को जहाँ तक हो सके शेयर कर दो, सभी को बता दो, क्योंकि याद रखना बहुत लोगों को पता ही नहीं कि राजस्थान मॉर्निंग में भी याद है। आज फर्स्ट डे आए हैं,
क्योंकि आज भाई नींद मुझे लगी, संडे है, कुछ रिवीजन मैं करा दूं सभी लोगों को, बहुत जरूरी है दोस्तों, और बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। वेरी नाइस भाई, बहुत लोगों का आंसर आया। आंसर हमारा आसाम होगा। आंसर हमारा क्या होगा? आसाम होगा। याद रखना, आसाम में पहले सिर्फ 5 नेशनल पार्क हुआ करते थे, है ना, और पता होगा 2 और जो है वो भी और ऐड हो गए हैं, तो टोटल जो हो गए हैं वो 7 नेशनल पार्क हो गए हैं आसाम में। ठीक है, चलो अगला। अभी हाल ही में एनटीपीसी ने इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका नाम है इट्स सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन। आपको बताना है यह कौन से स्टेट में किया गया है, यानी कि एनटीपीसी ने किस राज्य में अपने सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत की है। आपको उसका नाम बताना है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, आपको वो बताना है। व्हाट इज द राइट आंसर? वेरी नाइस ज्योति, वेरी नाइस निधि, वेरी नाइस संजय, वेरी नाइस कुलपांग, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। एनटीपीसी ने किस राज्य में अपने सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत की? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल। तो याद रखना, जब भी कहीं देखना एनटीपीसी, बहुत रीजन से ये न्यूज़ में रहा, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ थर्मल पावर कंपनी, और याद रखना इसको हम लोग महारत्न भी कहते हैं, इसको हम लोग महारत्न कंपनी भी कहते हैं, क्योंकि याद रखना हमारे देश में सरकारी कंपनियों की 3 कैटेगरी है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, है ना। तो याद रखना ये महारत्न कंपनी है जो बिना किसी अप्रूवल के 2,500 करोड़ रुपए तक निवेश कर सकती है, याद रखिएगा टू एवरीबडी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया, याद रखना आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, चलो अगला। अभी हाल ही में बहुत बहुत लेटेस्ट न्यूज है दोस्तों, पता होगा आपको, मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मणिपुर? मुझे बताओ जरा जल्दी से, उनका नाम क्या है? ला गणेशन, बंडारू दत्तात्रेय, सत्यदेव नारायण या रमेश व्यास। ला गणेशन, बंडारू दत्तात्रेय, सत्यदेव नारायण आर्य या रमेश व्यास, व्हाट इज द राइट आंसर? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसको कराया था, अगर आपको याद होगा, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। धीरे धीरे सभी लोग जरूर आएंगे, याद रखना। और ये आपको ये बताना है कि अभी हाल ही में जो मणिपुर के गवर्नर बने हैं उनका नाम क्या है, और साथ में ये भी बताओ, बंडारू दत्तात्रेय, सत्यदेव नारायण और रमेश व्यास कहां के हैं? तो याद रखना, जो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं वो हरियाणा के हैं, वो कहां के हैं याद रखना, वो हरियाणा के हैं। ठीक है, रमेश बेस, त्रिपुरा, कहां के हैं? त्रिपुरा के हैं। सत्यदेव नारायण, ये पहले थे यानी कि फॉर्मर हैं, अभी नहीं हैं। ये कैसे थे याद रखना? फॉर्मर थे। यानी आंसर हमारा क्या होगा? ला गणेशन जो है, याद रखिएगा, यह मणिपुर के हैं। पता होगा आपको, तमिलनाडु में ये बीजेपी के चीफ हुआ करते थे, है ना, ला गणेशन, ये अभी हाल ही में बने हैं कहां के? मणिपुर के। ठीक है, चलो आगे चले। वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अगला, अभी हाल ही में पता होगा हमारे देश में जैसे हम लोग AK-47 यूज करते हैं, उसी का एक मॉडर्न वर्जन जिसका नाम है AK-103 सीरीज असॉल्ट राइफल, जो करीब भारत ने 77,000 ऑर्डर दिया है। आपको बताना है ये ऑर्डर जो है वो कौन सी कंट्री से दिया है? इंडिया ने। ठीक है, भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ भारतीय सेना के लिए
बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफलें खरीदने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया। आपको बताना ये कंट्री कौन सी है बेटा। हाँ, पहले त्रिपुरा के थे। यस, बिल्कुल सही बोला आपने मनीष, पहले त्रिपुरा के थे रमेश भैया जी, अभी वर्तमान में झारखंड के हैं। बिल्कुल सही, पहले त्रिपुरा के थे, अभी वर्तमान में झारखंड के हैं। बिल्कुल सही। तो याद रखना यूके, जापान, रसिया या यूएसए। तो याद रखना, अभी हाल ही में हमने रसिया से कौन सा राइफल AK-103 राइफल को खरीदने के लिए वहां पर ऑर्डर दिया है, जिसका नाम है रसिया से AK-103 सीरीज ऑफ असॉल्ट राइफल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में पता होगा आपको वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप हुआ है, कहां पर? केनिया, है ना, आपको याद होगा। और वहां पर इंडिया ने इस टूर्नामेंट में, केनिया नरोबी में, याद रखना 3 मेडल जीते हैं। ये बहुत सम्मान की बात है, है ना। और आपने ये भी देखा होगा अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक में हमारा एक मेडल भी क्या हो गया, कंफर्म हो गया। तो आपको ये बताना है उस एथलेटिक्स में, लंबी कूद में, जिनको रजत पदक जीता गया, जिनको मिला सिल्वर मेडल, उनका नाम क्या है, यानी कि अंडर 20 चैंपियनशिप 21 में एथलेटिक्स में किनको लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल मिला, आपको ये बताना है। तो याद रखना उनका नाम है सैली सिंह, ये बहुत चर्चा में रही हैं, याद रखना सैली सिंह, याद रखिएगा इनको लॉन्ग जंप में, जैसे नहीं नीरज चोपड़ा वो तो भाला फेंक में थे, लेकिन ये याद रखना सैली सिंह जो हैं इनको मिला है लॉन्ग जंप में क्या मिला, सिल्वर मेडल मिला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी हम लोग कुछ दिनों पहले मनाए हैं जल सप्ताह, है ना, आपको ये बताना है व्हाट वॉज द थीम फॉर द वर्ल्ड वाटर वीक 2021। आपको बताना है विश्व जल सप्ताह 2021 के लिए जो हम लोग मनाए हैं उसका थीम क्या था। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन, वाटर इकोसिस्टम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, वाटर एंड वेस्ट, या बिल्डिंग रेजिलेंस वाटर, व्हाट इज द राइट आंसर। वेरी नाइस बेटा दीक्षा, बिल्कुल वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा प्रिया सिंह, दीक्षा, सभी लोगों को बुला भी लो भाई, सब लोग नींद से सबको जगा के बुला लो, है ना, सबको नींद से जगा के बुला लो। आज संडे है, आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे बहुत ही आराम तरीके से, है ना, फिर दिन भर खाली होंगे, आराम से रिलैक्स करेंगे हम लोग। ठीक है, सुबह जो जागा सो पाया, जो सोया वो खोया, बोलो बाकी बिहारी की जय। तो याद रखना इसका जो आंसर हमारा होगा, बिल्डिंग रेजिलेंस और फास्टर, याद रखना बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर हमारा क्या है, थीम है जो हम लोग वर्ल्ड वाटर वीक के रूप में मना रहे थे। ठीक है, एक हफ्ता का। अगला, अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, पता होगा आपको, विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश जेन बैंक की स्थापना की, मतलब जहां पे सीड्स को हम लोग स्टोर करेंगे, जहां पर, गुड मॉर्निंग बेटा सुरेश यादव जी, गुड मॉर्निंग, जहां पर क्या कहते हैं सीड्स को क्या करेंगे हम लोग स्टोर करेंगे, आपको ये बताना है यह सेंटर भारत में कहां पर स्टार्ट हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी दुनिया में दूसरे सबसे बड़े रीफ बिसल जीन बैंक का उद्घाटन किया है। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये आंसर उन्होंने किया है न्यू दिल्ली में, यानी कि जरा सोचो न्यू दिल्ली में आजकल बहुत कुछ हो रहा, आपने देखा होगा, मुझे बताओ अभी कमेंट करके जरा जल्दी से, अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में कौन से एक्टर को दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर फॉर मेंटरिंग के लिए, मुझे बताओ जरा जल्दी से कमेंट करके, न्यू दिल्ली में किस एक्टर को अभी हाल ही में बनाया गया है वहां का ब्रांड एम्बेसडर, जो वहां के एजुकेशन सिस्टम को मेंटरिंग करेंगे, थोड़ा सा गाइड करेंगे लोगों को। वेरी नाइस भूमिका सोलंकी जी, वेरी नाइस, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, बिल्कुल, जो जागा सो पाया, जो सोया वो खो गया। तो याद रखना सोनू सूद को, याद रखना दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, अगला, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने कहा, टेंशन मत लीजिए, माननीय मोदी जी ने तो जो खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया, हम तब भी एक नाम ले आएंगे, हम तब भी एक अवार्ड ले आएंगे राजीव गांधी के नाम पर। ठीक है, तो उस अवार्ड का नाम है जो महाराष्ट्र है, और साथ में उस स्टेट ने ये कहा
कि भाई अगर हमारे यहाँ के किसान के पास जमीन नहीं है तो उनको हम सपोर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, यानी कि आपके पास अगर जमीन नहीं है आप टेंशन मत लीजिएगा, आपकी सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। वेरी नाइस संजय सिन्हा जी, वेरी नाइस टू ऑल द मेंबर। तो याद रखना उसका नाम है छत्तीसगढ़, मुझे याद भी याद है जब मैं छत्तीसगढ़ में रहता था ना, तो यहाँ का स्लोगन बड़ा प्यारा है, छत्तीसगढ़ ये सबले बढ़िया। और छत्तीसगढ़ प्रदेश को पता होगा आपको धान का कटोरा कहते हैं, बॉल ऑफ राइस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर धान का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर होता है और यहाँ लोगों का मेन खाना भी है, फूड पसंद करते हैं राइस। ठीक है, चलो आगे। अभी रिसेंट में कौन से एयरपोर्ट का नाम को बदल दिया गया और रिनेम किया गया है महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है? हिसार हवाई अड्डा, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई हवाई अड्डा, दरभंगा हवाई अड्डा या हिंडन एयरपोर्ट जो कि नोएडा में है? वॉट इज द राइट आंसर? कहां के एयरपोर्ट को नाम बदल के बदला गया है? याद रखना महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है, आपको बताना है उसका नाम बेटा क्या है, आपको बताना है उसका नाम क्या है। ठीक है, टू एवरीबडी, तो याद रखना उसका जो नाम होगा उसका नाम है हिसार एयरपोर्ट। यानी याद रखना हिसार एयरपोर्ट का नाम बदल के हो गया क्या, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण कर दिया गया। बहुत ही अच्छा, गलती हुई, याद रखना हिसार एयरपोर्ट। ठीक है, चलो अगला। एक बड़ी प्यारी सी बुक अभी चर्चा में रही जिसका नाम है, याद रखना, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, एक बायोग्राफी है ऑफ जयप्रकाश नारायण जी की। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन एक बायोग्राफी है जयप्रकाश नारायण जी की। आपको ये बताना है इस बुक के राइटर कौन है, बिमल प्रसाद, सुजाता प्रसाद, जीत थलिल या दोनों ए और बी, यानी कि बीमा जी भी हैं और सुजाता जी भी हैं। तो याद रखना इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है बीमा प्रसाद जी एंड सुजाता प्रसाद जी, दोनों इस बुक के राइटर, इनका नाम है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन इज द राइट आंसर। देखो आज बेटा तीन कैटेगरी है, मैंने क्या बोला, आज पहली कैटेगरी कौन सी है, अगर आपका स्कोर 50 से प्लस आएगा आप बेस्ट हो, सॉरी आप गुड हो। ठीक है, अगर आपका स्कोर आज 50-75 प्लस आता है तो आप बेटर हो, और अगर आप स्कोर आज ले आते हो 95 प्लस, मतलब आज आप चैंपियन हो, मतलब आपको कोई हरा नहीं सकता, दिस इज कॉल्ड बेस्ट परफॉर्मेंस। तो मुझे देखना है कि आज कौन किस में आएगा, है ना, आज बेस्ट में कौन आता है, आज बेटर में कौन आता है और कौन आज बेस्ट गुड में आता है। ठीक है, चलिए अगला। अभी हाल ही में, अभी मैंने बोला था ना राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक प्रकार का एक अवार्ड स्टार्ट किया है किसी प्रदेश ने, कि अगर आप आईटी कंपनी के रूप में काम करते हो या अगर आप आईटी में कुछ अगर अच्छा कर रहे हो तो आपको हम एक अवार्ड से सम्मानित करेंगे, जिस अवार्ड का नाम है राजीव गांधी। क्या नाम है, मेरा नाम बहुत फेमस, याद रखना राजीव, लेकिन गांधी नहीं, राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह अवार्ड कौन से प्रदेश ने स्टार्ट किया है, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल? याद रखना हर साल 20 अगस्त को जो इनका बर्थडे है राजीव गांधी का, हम लोग उस दिन सद्भावना दिवस भी मनाते हैं। अगर आपको याद होगा हम लोग इनके दिन को सद्भावना दिवस भी मनाते हैं 20 अगस्त को, याद रखना। उसी दिन महाराष्ट्र ने ये इनिशिएटिव लिया है, राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सलेंस इंफॉर्मेशन की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। ये तो शायद आज का दूसरा सबसे हलवा क्वेश्चन है बेटा, वेरी नाइस गुलपा, कोई सुन नहीं, धीरे धीरे, देखो जो कोशिश करता है लाइफ में वही जीतता है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लड़ता है, घर में बैठने वाले युद्ध लड़ते नहीं है। और मैंने क्या बोला, जो जागा सो पाया, जो खोया सो खोया।
अभी हम लोग ने अपने देश में मनाया है क्या इंडिपेंडेंस डे, आपको बताना है जो इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाया है इसकी पोजीशन कौन से नंबर पे है, 72, 73, 74, 76। अगर आपको याद होगा 2021 में जो हम लोग ने मनाया है वो मनाया है 75 नंबर का, ठीक है। नंबर दो, अगर आपको याद होगा 2047 में हम मनाएंगे सौमी सालगिरह अपने इंडिपेंडेंस डे की। और अगर आपको याद होगा 2047 में ही सरकार का ऐसा मानना है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट हो जाएगी वो कहती है कि हम हो जाएंगे एज पर द ग्लोबल सिटी, यानी कि 2047 तक दिल्ली हो जाएगी ग्लोबल सिटी में रूप में, विश्व में नंबर वन, ऐसा दिल्ली का मानना है। आई होप हो जाए। चलो आगे चलते हैं। अभी हाल ही में कुछ सिटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें बहुत सारे सिटीज के कुछ नाम आए थे एयरपोर्ट्स के, कि कौन की क्या पोजीशन है। आपको ये बताना है ऐसी कौन सी इंडियन सिटीज हैं जो अभी हाल ही में विश्व की टॉप 100 एयरपोर्ट में उनका नाम शामिल किया गया है। विश्व की टॉप 100 एयरपोर्ट में उनका नाम शामिल किया गया है, वो भारत की कौन कौन सी सिटीज हैं, ठीक है। 2021 के लिए विश्व के शीर्ष 100 हवाई अड्डों की सूची में स्काई ट्रैक्स में किस भारतीय शहर के हवाई अड्डे को रखा गया है, तो याद रखना दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये ऑल ऑफ द एयर, तो याद रखना ये चारों हैं टॉप 10 में, याद रखना टॉप 100 में, ये चारों हैं टॉप 100 में, ठीक है, विश्व में जो अच्छे एयरपोर्ट होते हैं, ठीक है। अब जरा समझो अगला क्वेश्चन, इन्हीं का नाम ले रहे थे मैं कि ये भाग गए, अफगानिस्तान का सरकार चला रहे थे, अफगानिस्तान गवर्नमेंट विल ट्रांसफर पावर टू द तालिबान की, भाई हम नहीं संभाल पाएंगे अपने देश को। तो आपको ये बताना है कि जब ऐसा हुआ तो वर्तमान में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा। अफगानिस्तान की सरकार तालिबान को सत्ता हस्तांतरित करेगी, अफगानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, अली अहमद जिलाली साहब, जरार अहमद उस्मानी साहब, अशरफ घानी साहब, आंद्रेस दूदा साहब या कुबट बेक बोरोनोम, बड़े यूनिक नाम होते हैं दोस्तों, लेकिन क्या करें आपको यूनिक नेम को याद करना पड़ता है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका नाम है अशरफ गनी इज द राइट आंसर, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी बैंक पे पेनाल्टी लगाया 1 करोड़ का, कितने की पेनाल्टी लगाई है 1 करोड़ का, और याद रखना उस बैंक का नाम है कोऑपरेटिव बैंक, रोबो बैंक यूएई। आपको बताना है ये जो बैंक है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, आपको ये बताना है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, आपको इसका नाम बताना है, वियतनाम से बिलोंग करता है, सऊदी अरेबिया, रसिया या नीदरलैंड या इनमें से कोई नहीं। किस बैंक पर अभी हाल ही में आरबीआई ने पेनाल्टी लगाया, उस बैंक का नाम है कोऑपरेटिव रोबो बैंक यूएई। आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री में है दोस्तों, तो याद रखना इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कहां पर, नीदरलैंड में, कहां पर, नीदरलैंड में इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रहेगा सभी को। यस, जिसकी आज नींद नहीं खुली शुभम उसको लॉस होगा, क्योंकि देखो मजा लाइव में प्रैक्टिस करने का होता है, पीडीएफ में तो याद करते हैं ऐसे पता चले कितना डेटा हम लोग को याद है, एक प्रेशर आता है दिमाग में, ठीक है। और आज ऐसे भी फाइटिंग हो रही है गुड बेटर और बेस्ट की, देखना है कौन गुड है कौन बेटर और कौन बेस्ट है, ठीक है। चलिए अगला, अभी इंडिया नेवी ने अभी पार्ट लिया है, ठीक है, एक एक्सरसाइज में जिसका नाम है सी कैट, नाम क्या है उसका, सी कैट। आपको ये बताना है जो ये सी कैट है ना, किसके साथ हमने मिलके लिया है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसेना के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय सी कैट अभ्यास में भाग लिया, आपको ये बताना है, यानी कि सी कैट में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, यह कौन सी कंट्री के साथ पार्टिसिपेट किया है, आपको ये बताना है जल्दी से। तो याद रखना ये हमने किया है अमेरिका के साथ, किसके साथ किया है, अमेरिका के साथ, भी याद रखना अमेरिका बहुत तेज है, देखे ना काबुल का बदला ले ली तुरंत 2 दिनों में बिडेन साहब ने। चलिए अगला,
अभी हाल ही में हम सभी लोगों को पता होगा हमारे देश में एक्सिम बैंक हुआ करता है, जिसका पर्पस होता है आयात और निर्यात के लिए सपोर्ट करना। हम सभी लोगों को पता है आयात और दूसरा होता है निर्यात, है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए फिनांस करता है, ठीक है। तो और वो एक लोन जिसको कहते हैं सॉफ्ट लोन, मतलब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। तो इसने जो दिया है वह दिया है मॉरीशस को, किसको दिया है, मॉरीशस को, फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस आइटम के लिए। आपको बताना है कि एक्सिम बैंक ने मॉरीशस को कितना पैसा दिया फॉर डिफेंस आइटम को परचेस करने के लिए। टू एवरीबडी, $900 मिलियन, $110 मिलियन, $100 मिलियन या $800 मिलियन। तो याद रखना, अगर मैं एक्सिम बैंक के बारे में बोलूं तो ये $100 मिलियन रुपए दिया गया है, कितना, $100 मिलियन। अगर मैं बोलूं मॉरीशस के बारे में, तो पता होगा आप लोगों को, अगर मैं मॉरीशस के बारे में बोलूं तो मॉरीशस की जो कैपिटल है बेटा ना, दिख रहा होगा आप लोगों को, वह पोर्ट लुइस है। क्या है, दिख रहा होगा, पोर्ट लुइस है, पहला याद रखना। मॉरीशस की जो करेंसी है मॉरिशियन रुपीज चलती है, बिल्कुल ठीक बात है। इसका जो हेडक्वार्टर एक्सिम बैंक का वो मुंबई में है, बिल्कुल ठीक बात है। और डेविड रास कुनिया, याद रखना, इसके वर्तमान में क्या है, चेयरमैन और एमडी हैं, ठीक है, बहुत ही शानदार। आज लगता है कि बेस्ट वाले लगता है मुझे बहुत मिलेंगे मुझे, प्रिया सिंह, सुरेश यादव, निधि तिवारी, दीक्षा जोशी, उसके बाद अंकिता, मनीष पीडी, वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा। जो भी आज नए विद्यार्थी जुड़े हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सेशन को लाइक जरूर करो, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, ठीक है। और अगर हो सके तो ग्रुप में सेशन को और भी शेयर कर दो, ठीक है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने इंडिया का फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर की उद्घाटन की है, यानी कि इंडिया का ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जिसने ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर को उद्घाटन किया है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया था, आपको ये बताना है। टू एवरीबडी, हरियाणा, यानी कि जरा सोचो ना, वहां पे ड्रोन से सिक्योरिटी को देखा जाएगा। ओके भाई मनीष जी, बिल्कुल, थैंक यू यार, थैंक यू। चलिए, एक हरियाणा है, एक हमारा दिल्ली है, एक हमारा केरला है, एक हमारा राजस्थान है। तो याद रखना, ये जो ड्रोन सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है केरला में। ये वही केरला है जहाँ के पनीर विजयम जी कहते हैं कि भाई अगर हमारे देश प्रदेश में जिनके पास नॉलेज होगा उन्हीं को हम जॉब देंगे सबसे पहले। साथ में याद होगा, इन्होंने यहाँ पर एक IAS की सर्विसेज के लिए, अगर आपको IAS की पढ़ाई करनी हो, अगर आप मान लो डिजर्व करते हो, तो आपको सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ केरला, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राधे राधे गुप्ता जी, नींद खुल गई आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है करीब 45 करोड़ रुपए का एक नया प्रोजेक्ट, जिसका नाम है नादू नेडू, याद रखना, इसको ऐसे याद रखना, नादू नेडू। जिसमें क्या कहा गया है कि जो भी उस स्टेट के 16,000 लगभग स्कूल हैं सरकारी, उनको रिमॉडलाइज किया जाएगा, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज बनाया जाएगा, है ना भैया। आकांक्षा दुबे, गुड मॉर्निंग, प्रणाम भाई, गुड मॉर्निंग, यस बिल्कुल संजय सही बोला, वन स्कूल वन IAS स्कीम। तो कौन से राज्य ने कहा कि अपने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल को हम दोबारा रिमॉडर्नाइज करेंगे, और याद रखना उसके लिए उस स्कूल में उस याद रखना उस उसके लिए वहां पर प्रदेश ने 45 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। उस योजना का नाम है नादू नेडू 2। तो याद रखना, उसका नाम है आंध्र प्रदेश, इस काम को आंध्र प्रदेश ने निपटाया है दोस्तों, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे, आपको ये बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक नया सॉल्यूशन दिया है अपने कस्टमर के लिए, ठीक है। आपको ये बताना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस द्वारा शुरू किए गए एक नए जीवन बीमा समाधान सॉल्यूशन का नाम क्या है, जो बहुत चर्चा में रहा, जो इजीली आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा।
सोनी सिंह जी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जितने भी नए यूजर हैं, जो नए विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, मैं डेली शाम को आता हूँ 7 बजे। आज संडे था तो आज मैंने सोचा जरा दिन में मैं तो अपनी नींद खोली लोगों की भी नींद खराब करूँ, क्योंकि याद रखना किसी ने कहा है जो जो सोया वो खोया, जो जागा सो पाया। चलिए सभी लोगों को भाई अगेन गुड मॉर्निंग, ठीक है, वेरी नाइस। चलिए तो याद रखना उसका नाम है बेटा क्या, उसका नाम है बी नंबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ ई सील नेक्स्ट, उस नए इनोवेटिव का नाम है जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, ठीक है। अगला एक बहुत प्यारा सा एक योजना है जिसमें कहा गया है जो वहां के कारीगर हैं उनको राज्य गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करेगी। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है, कर खंडर योजना, जिसमें वहां के जो बुनकर हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ स्टेट सपोर्ट करेगी। याद रखना कार खंडर योजना कौन से प्रदेश ने शुरुआत की है, कार खंडर योजना कौन से प्रदेश ने शुरुआत की है, बिहार, आसाम, जम्मू कश्मीर या दिल्ली। तो जरा देखने से ही लग रहा है ये सब काम जम्मू में होता है। अगर आपको याद होगा जम्मू एंड कश्मीर की बात करी भाई, वहाँ के जो बुनकर हैं, वहाँ की जो कश्मीरी साल आपने अगर ओरी होगी, इतनी हल्की साल होती है, लेकिन आप अगर उसको ओर लेंगे ना तो जरा से आपको ठंडा नहीं लगेगा। अरे यार देखो ये बात तो मानते हो ना, समय ऐसा है कि हम लोग को जगह, जैसे मैं भी देखो कल क्लासेस मैंने इतनी सारी ली, आज क्यों आ गया, क्योंकि इसका पर्पस क्या है, अगर मेरे जागने से कुछ भला किसी का अगर होगा तो हम जगने के लिए एकदम तैयार है। उसी प्रकार जब तक भाई जॉब नहीं होगा हम विद्यार्थियों का, तो हम लोग को तो आराम करना ही नहीं है, ठीक है, मेहनत करते रहना जब तक, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक है। बोलो बाके बिहारी की जय। अगला जरा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में पता होगा एक जियो मामी करके एक फिल्म फेस्टिवल होता है हमारे देश में, मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज करके इसका फुल फॉर्म है। आपको ये बताना है इस फिल्म एकेडमी ने किसको बनाया अपना चेयरमैन अभी हाल ही में, प्रियंका चोपड़ा, तब देखो इनके नाम जोनस ऐड हो जाता है, प्रियंका चोपड़ा जोन्स, लारा दत्ता, माधुरी दीक्षित या हेमा मालिनी। अभी हाल ही में जियो मामी मतलब मुंबई एकेडमी ऑफ मूवी इमेज ने अपना नया चेयरमैन किनको बनाया है, याद रखना टू एवरीबडी। पहले याद रखना इस पोस्ट पर दीपिका, पहले इस पोस्ट पर याद रखना दीपिका पादुकोण हुआ करती थी, लेकिन वो हट गई, उनकी पोस्ट पर रही यही कौन, प्रियंका चोपड़ा ही है, नहीं जिनको हम लोग पीसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पीसी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या होगा, प्रियंका चोपड़ा। देखिए बिल्कुल शानदार तरीके से बन गई है ये, है ना। पहले इस पे कौन थी, दीपिका पादुकोण, जिन्होंने अपनी पोजीशन को स्टेप डाउन कर लिया, लेकिन अब कौन देख रही है, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। अगला, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड सच स्मार्ट हेल्थ कार्ड टू द पीपल, कहां हम अपने प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य पे तरफ फोकस करेंगे विशेष, तो अपने लोगों को ऐसे सपोर्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, जहां पे ये कहा गया है कि अगर घर में मेल डोमिनेट फैमिली है तो हम कवर करवाएंगे लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर है, जरा समझना, और अगर फीमेल डोमिनेट परिवार है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे करीब 10 लाख रुपए का। तो याद रखना ये वही स्टेट है जिसने ये कहा कि हम हॉकी में इंडिया को सपोर्ट करेंगे अगले 10 सालों तक। पता होगा किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी, पता है ना सभी लोगों को, किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी, लेकिन जरा सोचो नवीन पटनायक जी ने सपोर्ट किया पूरा, और करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए हॉकी फेडरेशन के ऊपर, और कहा यस हॉकी हमारे देश की शान है। जरा देखो कितनी सही बात है, आज पूरा भारत कह रहा है कि हमने मेडल जीत के लाए, ये लाए, लेकिन जरा सोचो पीछे की काम को भी कोई देखे, कितना बड़ा सपोर्ट किया, कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, कितनी बड़ी इंसल्ट हमारे देश में है, बट तब भी प्राउड मोमेंट, हम लोग जीत के आए। चलिए तो आंसर हमारा क्या हो गया, उड़ीसा इज द राइट आंसर। याद रखना यहां के मुख्यमंत्री कौन है, माननीय नवीन पटनायक जी, याद रखना यहां के
मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, बहुत ही शांत स्वभाव के मंत्री हैं और बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बड़ा धांसू बोलते हैं। अगला भाई, इनका नाम तो लगातार आजकल न्यूज में चल रहा है भाई, हर न्यूज चैनल पे बस इन्हीं का नाम है। सुरेश यादव जी, गुड, वेरी, बहुत अच्छा बेटा। सुरेश कुमार, संजय सिन्हा जी, बहुत अच्छा। तो याद रखना, पता होगा जैसे हमारे देश में जम्मू कश्मीर है, उसी प्रकार अफगानिस्तान में पंजशीर है, जो कहता है कि पंजशीर मतलब तालिबान का बहुत बड़ा घर माना जाता है। और अभी हाल ही में देखा होगा आपने, वहां पे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, बहुत बड़ा मतलब कैप्चर किया है। आपको ये बताना है पंजशीर के शेर यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जिनको वहां का मानते कि ये बहुत परफेक्ट व्यक्ति है। अहमद शाह मसूद, अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह, अमित हामिद करजई। याद रखना, जो भी करंट में टॉपिक चल रहा है ना, अगर मैं बोलूं अफगानिस्तान और तालिबान वाला, तो देखना एक उसे तो गारंटी एग्जाम में आ ही जाएगा। इनका नाम क्या, आपको ये बताना है। तो याद रखना, इनका जो नाम होगा उनका नाम है अहमद शाह मसूद। याद रखना, अहमद शाह मसूद इनका नाम है दोस्तों, ठीक है, जो पंजशीर के शेर के रूप में जाने जाए। बस ये मतलब नहीं कि शेर दिखता है, मतलब बहुत ही ब्रेव पर्सन फ्रॉम तालिबान लीजेंड, ठीक है। अगला भाई, ये तो अभी माशाल्लाह क्या इनका नाम चल रहा है, हु इज द लीडर ऑफ सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान, यानी कि 2016 से यह तालिबान के प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। आपको बताना है इनका नाम। अच्छा देखो, ये क्या क्या समय आ गया, तो वो क्या क्या समय आ गया कि हमें इनके नाम याद करने पड़े, हमें आतंकवादियों के नाम याद करने पड़े। इसे कहते हैं घोर कलयुग है दोस्तों, घोर कलयुग है, मानते हो कि नहीं, घोर कलयुग है। याद रखना, इनका जो नाम है बहुत चर्चा में है। मालवी हैबतुल्ला हुकुमजादा इनका नाम है, मौलवी, नाम से देखो मौलवी है भगवान, और काम कर रहे हैं कुकर्म वाले। मौलवी हैबतुल्ला अखंड ज्यादा, याद रखना इसके नाम है। गुड मॉर्निंग शैलजा जुनेजा जी, वेलकम, आखिर नींद तुम्हारी खुल गई। और भी लोगों को बता दो भाई, और भी लोगों को बता दो ग्रुप में, सभी लोगों को बता दो, संडे मतलब आराम नहीं है, इसके बाद आराम है, ठीक है। अगला, राधा कृष्णन, थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। ये बिना आपके सपोर्ट तो कुछ होने वाला आप लोगों के। राधा कृष्णन दमानी हैज एंटर्ड वर्ल्ड 100 रिचेस्ट पीपल लिस्ट। ओ माय गॉड, राधा कृष्णन दमानी ने भी हाल में 100 लिस्ट में शामिल हुए हैं, ठीक है। और ही इज द ऑनर ऑफ विच इंडियन रिटेल कंपनी, आपको बताना है ये कौन सी रिटेल कंपनी के ऑनर है ना, ये कौन सी कंपनी के ऑनर है, आपको ये बताना है। राधा कृष्ण दमानी ने दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में प्रवेश किया है, वह किस भारतीय रिटेल कंपनी के मालिक हैं। डीमार्ट, फ्यूचर रिटेल, शॉपर्स स्टॉप, रिलायंस। रिलायंस का तो नहीं सकता क्योंकि इनके कौन है, माननीय मुकेश अंबानी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो क्या कहते हैं, आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर, तो याद रखिएगा इसका आंसर बेटा होगा डीमार्ट। सबसे सस्ता सामान डीमार्ट देता है, याद रखना सबसे सस्ता। और विश्व में अगर मैं बोलूं तो याद रखना, रिचेस्ट पर्सन की अगर मैं बात बोलूं तो इंडिया की तरफ से अगर मैं बोलूं, 8वें नंबर पर है कौन, जिनका नाम है मुकेश अंबानी, याद रखिएगा टू एवरीबॉडी, है ना। और अमेजोन के जेफ साहब विश्व के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। अगला, अभी हाल ही में अमेरिका का जो कांग्रेस है, जैसे हमारे नहीं पार्लियामेंट है, तो वहां का जो कांग्रेस, उसने कहा मरणोपरांत एक अवार्ड हम देंगे जिसका नाम है गोल्ड मेडल, ठीक है। ये किस भारतीय फ्रीडम फाइटर को देने की बात कही है अमेरिका ने, यानी कि अमेरिकी कांग्रेस ने कहा है कि मरणोपरांत किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को स्वर्ण पदक से हम सम्मानित करेंगे, उनका नाम क्या है। सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित करेंगे, बी आर अम्बेडकर को सम्मानित करेंगे, जवाहरलाल नेहरू को सम्मानित करेंगे, या महात्मा गांधी जी को सम्मानित करेंगे, आपको बताना है जल्दी से, व्हाट इज द राइट आंसर। बेटा शुभम, तेसला से सेकंड पे आ गई है, जो तेसला है याद रखना वो सेकंड पे आ गई है ना,
जो टेस्ला थी कुछ दिनों की लाई थी वन पर, बट अभी वो वर्तमान में सेकंड में है, याद रखना ठीक है। ओके, जो टेस्ला है वो सेकंड में है। सुभाष चंद्र बोस, बी आर अंबेडकर और या जवाहरलाल नेहरू, किनको मिला है गोल्ड मेडल अमेरिका की तरफ से? तो याद रखना, बिल्कुल सही बात है माननीय हमारे राष्ट्रपिता जी, जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड, किनको दोबारा चुना गया है जो नए प्रेसिडेंट बनेंगे, किसके? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ IEG, यानी कि आर्थिक विकास संस्थान, एक संस्थान है। आपको ये बताने, सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, याद कर दूं मैं आपको बता दूं, जो मनमोहन सिंह थे ना, इसी में पास्ट में चेयरमैन थे, तो इन्हीं को हटा के, मतलब इन्हीं को, इनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो नए जो बने उनका नाम क्या है? हु हैज बिन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी, आपको ये बताना है जल्दी से दोस्तों। What is the right answer? What is the right answer? मैंने निधि गुप्ता, वो जो टीसीएस आपने कहा ना, टीसीएस एक तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में टीसीएस का नाम आता है, ठीक है, कंपनी की बात नहीं हो रही, याद रखना। वेरी नाइस सोनी सिंह। अच्छा, बहुत लोग नए नए जुड़ रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, जो अगर डेली जुड़ते हो तो डेली शाम को जरूर करो, शाम को 7 बजे। जो भी नए विद्यार्थी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं डेली आता हूँ शाम को 7 PM पर, जहाँ मैं दिन भर की सारी खबरों को एनालाइज करता हूँ, ठीक है, नंबर वन। और अगर आपको पढ़ना है फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो मैं डेली आता हूँ दोपहर में 12 बजे, जहाँ मैं डेली 25 क्वेश्चंस को कराता हूँ एक्सप्लेन करके, जिसका टर्म होता है फाइनेंशियल या बैंकिंग अवेयरनेस। जरूर जुड़िए सभी लोग, ठीक है। वेरी नाइस, बिल्कुल, फिनांस कमीशन 280 एन के सिंह थी, भी थे, बिल्कुल सही, यस। तो आंसर हमारा क्या हो गया, एन के सिंह इज द राइट आंसर, बहुत लोगों का सही हुआ, ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है। 31 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं जिनको बता दूं जो अभी ज्वाइन किए हैं उनको, आज 3 कंडीशन है, एक है 50+ स्कोर करना है, दूसरा है 75+ स्कोर करना है, और तीसरा है 100+ स्कोर करना है, 90+ स्कोर करना है। तो अगर आपने 50 किया तो गुड है, 75 किया तो आप बेटर हैं, और 100 कर दिया, 90 कर दिया तो आपने, आप बेस्ट हैं आज के, ठीक है, योद्धा आज के हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री के साथ इंडियन नेवी ने साइन किया है एक ज्वाइंट गाइडेंस फॉर नेवल कोऑपरेशन, की हम दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे नेवी में, बेसिकली है ना, किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने नौसेना सहयोग के लिए एक संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किए हैं, उसका नाम क्या? ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA या साउथ कोरिया, आपको यह बताना है जल्दी से। एवरीबॉडी, नहीं भाई सुरेंद्र कुमार जी, हम आपसे नाराज नहीं है, हम आपसे नाराज क्यों होंगे यार, वाय हम आपसे नाराज क्यों होंगे भाई, हम तो किसी से नाराज नहीं होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, उस कंट्री का नाम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। किनके साथ किया हमने ये? ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने किया है, ठीक है। चलो अगला, देखो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन लग रहा है सेम लेकिन अंतर है, हम भी कंफ्यूज करके दो पल के लिए। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री के नेवी ने, द इंडियन नेवी हैज कैरिड आउट ज्वाइंट ड्रिल, यानी अभ्यासी कहते हैं, इन साउथ चाइना सी, किसके साथ किया है हाल में ही, किस देश की नौसेना के साथ हमारी जो नौसेना ने साउथ चाइना सी में एक संयुक्त अभ्यास किया है, आपको बताना है उसका नाम क्या, उस कंट्री का नाम क्या है दोस्तों? थाईलैंड, जापान, कंबोडिया या वियतनाम, व्हाट इज द राइट आंसर? थाईलैंड, जापान, कंबोडिया या वियतनाम, व्हाट इज द राइट आंसर? तो याद रखना, हमने ये काम किया किसके साथ? वियतनाम के साथ। अगर मैं वियतनाम के बारे में एक बात बोलूं तो याद रखना, जो वियतनाम है उसकी कैपिटल होती है बेटा हनोई। क्या होती है? हनोई। और याद रखना, इसकी जो करेंसी होती है वो डोंग होती है। क्या होती है? डोंग। बाकी जो सेशन को बाद में देखेंगे उनसे मेरा क्वेश्चन, आप मुझे बताना कमेंट करके कि थाईलैंड की करेंसी,
जापान की करेंसी और कमोडो की करेंसी क्या होती है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है टू एवरीबॉडी। चलो, और इसमें लिखा गया जो हमें तो जिस 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 जहाज ने सपोर्ट किया, जिसने फाइट किया, याद रखना उसका नाम है आईएनएस कोरा, याद रखना आईएनएस कोरा जहाज का नाम है जिसने हमें तो क्या किया, लीड किया आईएनएस कोरा ने, ठीक है। अगला, अभी हाल ही में कौन से स्टेट या यूटी में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने उद्घाटन किया है इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑन फोक एंड ट्राइबल आर्ट पेंटिंग, जिसका नाम है रीतियों से कलाकृतियों का सफर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कपड़ा मंत्रालय ने लोक और जनजातीय कला चित्रों पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है रीतियों से कलाकृतियों का सफर? महाराष्ट्र ने, न्यू दिल्ली ने, उड़ीसा ने, व्हाट इज द राइट आंसर? गोवा। तो याद रखना उस स्टेट का नाम है दोस्तों न्यू दिल्ली ने ये काम किया है, ठीक है। याद रखना रीतियों से कलाकृतियों, रीतियों से कलाकृतियों का सफर, फॉग ट्राइबल आर्ट पेंटिंग स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये वही मिनिस्ट्री है जिसको माननीय पीयूष गोयल जी देख रहे हैं। अगला, ऐसा कौन सा कंट्री है, ऐसा कौन सा कंट्री है जहां के यूनियन कैबिनेट ने कहा अप्रूवल फॉर इंडिया टू पार्टनर इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? यस, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी करने के लिए मंजूरी दे दी? उस देश ने साफ साफ कह दिया है यस, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी डिजास्टर पे तो हम भारत के साथ मिलके काम करेंगे। वह कंट्री कौन सी है? साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, बांग्लादेश, नेपाल। अब जरा देखो, बांग्लादेश को तो कहना ही पड़ेगा, वो तो ऐसे ही बेचारा कहता है, छोटा सा कंट्री है। नेपाल ऑलरेडी कहता है तो, लेकिन जो नई कंट्रीज का नाम है याद रखना, ये बांग्लादेश की बात हो रही है कि भाई यस, जो भी डिजास्टर की बात होगी, किसकी बात होगी, जो भी बात होगी डिजास्टर की, आपदा की, तो भाई हम इंडिया के साथ मिलकर सहयोग करेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो गया? बांग्लादेश। और सिर्फ बांग्लादेश के ऊपर इंडिया बहुत प्रसन्न रहता है आजकल, है ना। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया, कंडक्ट किया एक पायलट रन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी? मतलब कहने का, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं सोने गोल्ड बुलियन में, तो आप वहां से हमारे देश में ट्रेड कर सकते हैं। किसने इसकी शुरुआत की है, ऐसी कौन सी संस्था है? मैं आपको हिंट दे रहा हूं, यह संस्था का हेडक्वार्टर हमारे देश में गुजरात में है। तो याद रखना इसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। बहुत लोग इसको गलत करेंगे, गारंटी। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, बिल्कुल सही। गुड मॉर्निंग राजू भाई, गुड मॉर्निंग, नींद खुल गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, बहुत लोगों ने डी कहा है, बहुत लोगों ने बी भी कहा है, ठीक है। और याद रखना इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, गुजरात में है, ठीक है। चलिए अगला, पता होगा हम लोग एक यूज करते हैं वर्चुअल करेंसी, जिसको हम लोग कहते हैं ना वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, जिसको हम लोग नाम देते हैं बिटकॉइन, है ना, जिसको क्या नाम देते हैं, बिटकॉइन। तो इंडिया का रैंक क्या है इस करेंसी को अडॉप्ट करने के टर्म में? भारत दुनिया में क्रिप्टो को अपनाने के मामले में कौन से रैंक पर है, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड या इनमें से कोई नहीं? इंडिया, ओ नींद नहीं आती है, नींद क्या खोलेगी भगवान, तो करते क्या है सब रात में, रात तो सोने के लिए होती है ना, हाँ रात तो सोने के लिए होती है कि नहीं होती है, बताओ। रात सोने के लिए होती है और दिन जगने के लिए होता है, बट क्या करे, दिल है कि मानता नहीं है। प्रियंबदा यादव जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस। तो याद रखना इस टर्म में हमारी जो कंडीशन है वो सेकंड नंबर पे है, हमारी जो कंडीशन है कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है बेटा, ठीक है। चलो,
अब जरा समझ लें, कहते हैं इस रिपोर्ट में इंडिया की जो पोजीशन है सेकंड नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो एडॉप्शन, और कहते हैं लेकिन वियतनाम वन पर है, ठीक है, यानी वियतनाम जो है वन पर है, दूसरे पे हमारा इंडिया है, दूसरे पे हमारा क्या है इंडिया है, बट यूएस हो गया, यूके हो गया, चाइना हो गया, इनसे हम बहुत आगे हैं, ठीक है। अगला, अभी माननीय केजरीवाल जी ने, याद रखना, इंडिया में एक स्मोक टावर का उद्घाटन किया है, मतलब जो प्रदूषण को कंट्रोल करेगा। आपको यह बताना है कि ये जो स्मोक टावर है जो ओपन हुआ है, यह कौन से नंबर का हमारे देश में, एक प्रकार का फर्स्ट है, सेकंड है, तीसरा, चौथा या पांचवा, इनमें से कोई नहीं। स्मोक टावर जो स्टार्ट हुआ है ना, जो स्मोक टावर स्टार्ट हुआ है, यह कौन सी पोजीशन पे, याद रखना, सबसे ज्यादा प्रदूषित मामले में इस बार गाजियाबाद ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, यूपी का गाजियाबाद जो दिल्ली के नजदीक में है, विश्व में सेकंड है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, दिल्ली चौथे नंबर पे है, जरा समझ रहे हो, तो भाई वहां तो स्मोक टावर लगने की नीड ही है ना, तो याद रखना यह देश का पहला स्मोक टावर है दिल्ली कनॉट पैलेस में, ठीक है। अगला, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री, अभी विच एंटिटी, किसने साइन किया एक एमओयू, ठीक है, जिसका पर्पस क्या है, टू सेटअप फाइनल असेंबली इंटीग्रेशन एंड टेस्ट, शॉर्ट में कहते हैं FAIT, फैसिलिटी ऑफ एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल इन तेलंगाना, यानी कि आपको बताना है तेलंगाना में शॉर्ट एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को, फैसिलिटी को किसके साथ एग्रीमेंट किया है स्टेबल करने के लिए, आपको ये बताना है। वॉट इज द राइट आंसर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, किसने कहा कि हम शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को डेवलपमेंट को वहां पर स्टार्ट करेंगे, इसके लिए किसने तेलंगाना के साथ एग्रीमेंट किया है, आपको उसका नाम बताना है जल्दी से। तो याद रखिएगा, इसका नाम होगा दोस्तों भारत डायनेमिक लिमिटेड, क्या नाम होगा दोस्तों, भारत डायनेमिक लिमिटेड, याद रखना टू एवरीबॉडी इसका नाम है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ऐसा कौन सा कंट्री के राष्ट्रपति हैं जो, याद रखना, जिन्होंने कहा कि नहीं मैं यूरोप में शामिल नहीं होगा, मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए, हम खुद से अपना सारा काम कर लेंगे, कौन सी कंट्री के राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं हमें यूरोप का रिफ्यूजी कैंप का सपोर्ट नहीं करना है, हम खुद से ही अपना सारा काम कर लेंगे। याद रखना यूरोपियन यूनियन एक संस्था, ग्रुप ऑफ वो है नेशन, जिसमें टोटल 27 है कंट्री हैं जो टाइम टू टाइम सपोर्ट करती रहती है ना। आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री ने कहा कि हम रिफ्यूजी का सपोर्ट नहीं लेंगे। वॉट इज द राइट आंसर, वॉट इज द राइट आंसर, तो याद रखना उसका नाम है दोस्तों तुर्की। अगला, कौन सी कंट्री ने कहा कि भाई देखो समय खराब है, हालात खराब हैं, अगर पहले हमारे देश में पॉलिसी थी कि दो बच्चे से ज्यादा नहीं करो, लेकिन जैसे हालात हमारी कंट्री में हैं 2050 के बाद हमारी पॉपुलेशन कम होने लगेगी तो हमें लॉस होगा, इसलिए आप दो नहीं तीन बच्चे भी कर सकते हो, यानी कि विच नेशन हैज फॉर्मली अप्रूव्ड ए 3-child पॉलिसी टू प्रिवेंट द डेमोग्राफिक क्राइसिस, मतलब कहने का कि आप उस कंट्री में अब तीन बच्चे भी करोगे तो आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, पहले ये फैसिलिटी बैन था वहां पे, हम दो और हमारे दो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम दो और हमारे तीन, हम दो और हमारे तीन, तो ये किसने कहा, ये कहा है चाइना ने, किसने कहा है, चाइना ने, ठीक है। चलिए अगला, ऐसी कौन सी वैक्सीन मेकर कंपनी ने अभी हाल ही में एक नया अप्रूवल उसको मिला है इंडिया में, जबकि आप 12 से 17 साल के बच्चों पर ट्रायल कर सकते हो,
विच वैक्सीन मेकर है साउट अप्रूवल फॉर वैक्सीन ट्रायल फॉर 12-7 ग्रुप इन इंडिया, किस वैक्सीन निर्माता ने भारत में 12-17 साल के बच्चों पर आप परीक्षण वैक्सीन का कर सकते हो, आपको ये बताने हैं, ठीक है। तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को अप्रूवल मिल गया है, और याद रखना बहुत जल्दी आपको पता चलेगा इंडिया में जेडल जो एक कंपनी है गुजरात की उसको अप्रूवल मिल गया है वैक्सीन बच्चों के लिए बनाने के लिए, वो भी बना देगी, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बेस्ट माना इतना आसान नहीं आज। विच ड्रग मेकर एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी हैज प्रूवन टू बी सक्सेसफुल एट प्रिवेंटिंग COVID-19 एज पर ए स्टडी, एक अध्ययन के अनुसार किस दवा निर्माता कंपनी ने कहा कि एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी को COVID-19 को रोकने में सफल साबित हुई है, किसका ये एक्सपेरिमेंट सफल साबित हुआ आपको ये बताना है जल्दी से, फाइजर कोवैक्सीन एस्ट्राजेनिका या मॉडर्ना। तो याद रखना ये कहना है किसका, एस्ट्राजेनिका का, कि यस आप एंटीबॉडी से भी हम चीज़ों को सही कर पाएंगे डेवलप करने के बाद। भाई वैसे भी अगर मैं बोलूं तो मेडिसिन काम क्या करता है, बॉडी की एंटीबॉडी को डेवलप ही तो करता है। अगला, द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी बात हो रही है कोच की, द्रोणाचार्य अवार्ड कोच जिनका नाम है ओम नामीर पास, याद रखना वो भी निधन हो गया उनका, आपको बताना है वह कौन से फेमस पर्सनालिटी के कोच हुआ करते थे हमारे देश के, इंडियन ट्रैक लीजेंड द्रोणाचार्य अवार्ड कोच ओम नामबियार, याद रखना अभी निधन हुआ इनका हाल ही में, वह किस भारतीय ट्रैक लीजेंड के बहुत फेमस कोच थे, उनका नाम बताना आपको जल्दी से, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, दूती चंद या अंजू बॉबी जॉर्ज। हाँ बेटा निधि गुप्ता जी, इसीलिए तो मैं आजकल, आज स्पेशल 100 है तो जरा देखे तो हमारा कि अगस्त मंथ में हमने जितना भी डेटा पढ़ा हमें उसमें कितना डेटा हम लोग को याद है। याद रखना आज का पर्पस ही है कि भाई हम लोग को कम से कम आज स्कोर करना है 90 या 75 और या तो 50 से ऊपर, इससे कम स्कोर हम लोग को नहीं करना है एनी हाउ। जिसने कम स्कोर किया उसको पिटाई पड़ेगी टू एवरीबडी। वॉट इज द आंसर, तो बिल्कुल सही बोला उसका, हमारा नाम हो गया पीटी उषा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगर आप मूवी देखते हैं साउथ की, मैं तो देखता हूं, अगर आप देखते होंगे तो आपको आंसर पता होगा, कौन से ऐसे एक्टर हैं जो दिख रहे हैं बहुत खूबसूरत है, देखिए यानी कि बड़ी प्यारी सी मूवी आई थी टाइम वाली, अगर आपने देखी होगी है ना, अगर आपको याद होगी मैंने भी देखी टाइम मशीन वाली, इनकी बड़ी फेमस मूवी थी। तो विच एक्टर हैज वॉन द बेस्ट परफॉर्मेंस मेल फीचर अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, अभी हाल ही में याद रखना इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2021 ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है, उसमें किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष फीचर से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है, पंकज त्रिपाठी नाम है, सूर्य शिव कुमार नाम है, मनोज वाजपेयी नाम है, धनुष नाम है या राजकुमार राव नाम है, वॉट इज द राइट आंसर। तो याद रखना इसका जो आंसर उनका नाम है सूर्य शिव कुमार इज द राइट आंसर। और याद अगर आपको होगा तो अगर आपने देखी होगी बड़ी प्यारी सी सीरीज जिसका नाम है फैमिली मैन है ना, उसमें इस लेडी ने बड़ा ही फेमस अच्छा काम किया, इनका नाम है सुमंथा, अगर आपने सीरीज देखी होगी देखिएगा जरूर क्या एक्टिंग की है मंदी ने, सामंथा इनका नाम है, जिनको याद रखना द फैमिली मैन 2 के लिए अवार्ड दिया गया, और याद रखना इनका नाम भी है, और याद रखना सेनरी एक मूवी बेसिकली आई थी, इसमें ये कहा गया था कि हमारे देश में हम लोग सेनरी जो बेसिकली टाइगर पे क्या फोकस करते हैं, कैसे उसको रिजर्व करते हैं, है ना, तो याद रखना इसलिए ये भी इसको अवार्ड मिला है। इन चारों का नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों टू एवरीबडी। चलो अगला, वॉट वॉज द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, इन द हुरुन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी लिस्ट, आपको बताना है कि रिलायंस इंडस्ट्री का नाम जो रैंक है वो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट में कौन सी पायदान पर है, हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 में रिलायंस इंडस्ट्री का पोजीशन कितने नंबर पे, यानी कि दुनिया में सबसे अच्छी कंपनी जो थी वैल्यूएबल कंपनी में उसमें रिलायंस की पोजीशन क्या है, आपको ये बताना है जल्दी से। तो याद रखना
इसका जो हमारा नाम होगा वो बेटा नाम होगा 47। और हाँ, लगभग हम लोग आधा पूरा कर चुके हैं, बहुत जल्दी हम लोग आधा और पूरा करेंगे। डरना नहीं, जो डटा हुआ है लाइफ में याद रखना, उसे ही शाबाशी मिलेगी, उसे ही मंजिल मिलेगी, ठीक है। नहीं तो लोग तो आएंगे, लोग तो जाएंगे, लेकिन जो टिका हुआ है ना, याद रखना वही जीतता है लास्ट लास्ट तक, ठीक है। तो याद रखना आंसर हमारा हो गया 57 इज द राइट आंसर। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में है जिसने अभी हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को रिलीज किया है? ऐसी कौन सी संस्था हमारे देश में है जिसने अभी हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को रिलीज किया है? आपको यह बताना है, जो उसका पर्पस क्या होता है, एक आम आदमी को, गुड मॉर्निंग बेटा अभिषेक मौर्य, एक आम आदमी को बहुत ही आसान शर्तों पर बैंक से जोड़ना, फिनांस से जोड़ना ही कहलाता है वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन से देश में किस संस्था ने पेश किया, आपको यह बताना है। तो अगर मैं बात करूं तो ये सब काम कौन करता होगा, आरबीआई तो करेगा। इंडिया में जो भी टैक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, जिसको हमारे देश में कौन रिकवरी रेगुलेट करता है, तो उसका नाम है सीबीडीटी, और एक होता है इनडायरेक्ट, उसको कौन करता है, तो याद होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। याद रखना छोटी कंपनियों के लिए कौन है, तो सिडबी हो गया, और शेयर मार्केट के लिए कौन हमारा हो गया, तो सेबी हो गया, ठीक है। चलो अगला, अभी हाल ही में कौन से बैंक ने नियो कलेक्शन डिजिटल रीपेमेंट एक प्लेटफॉर्म को टाइप किया है क्रेडिटास सॉल्यूशन के साथ, क्रेडिट सॉल्यूशन के साथ गठजोड़ करके किस बैंक ने नियो कलेक्शन डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसके माध्यम से अपने लोन को हम बहुत इजी वे में क्या कर पाएंगे, चुका पाएंगे, रिपे कर पाएंगे, है ना। व्हाट इज द राइट आंसर, तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा, उस बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, और याद रखना माननीय उदय कोटक जी, याद रखना इसके हेड है, जो उदय कोटक जी हैं याद रखना इसके हेड है, ओके। अगला, अभी वर्तमान में नए बनी है, याद रखना इंडियन बैंक जो कि एक सरकारी बैंक है, इस बैंक के नए MD और CEO किनको बनाया गया, आपको ये बताना है। इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, दिनेश कुमार खारा जी, जे वेंकटम रामन जी, एम राजेश्वर राव जी, शांतिलाल जैन जी, या राजकिरण राय जी। पता होगा आपको राजकिरण राय जी कौन से बैंक से बिलोंग करती हैं, तो याद रखना यूनियन बैंक। ये हमारा कहाँ चला गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडियन, और याद रखना शांतिलाल जैन अभी हाल ही में बने हैं किनकी, उस बैंक का नाम है इंडियन। आप मुझे दो बता दो जरा जल्दी से कि जे वेंकट रमन कहाँ का है, रमू, और एम राजेश्वर राव कहाँ के हैं, कमेंट करके जल्दी से। जो बाद में जुड़े उनको एक बता दूं, याद रखना आप लोगों के आज फाइटिंग हो रही है, तीन कैटेगरी है, गुड, बेटर और बेस्ट, सबको आना है कम से कम बेटर और बेस्ट में, ठीक है, वेरी नाइस शांतिलाल भी। अगला, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में एक डील की है, हैज साइन ए डील ऑन कोऑपरेशन इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार किस संगठन ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग पर एक समझौता हासिल किया है, किसके साथ, इसरो के साथ, ब्रिक्स कंट्री ने, SCO कंट्री ने, आसियान ने, सार्क ने, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर, यस, एम राजेश्वर राव जो है आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर हैं। अगर मैं बोलूं तो ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 2021 की मीटिंग लीड इंडिया कर रही है। SCO में टोटल 8 मेंबर होते हैं, आसियान में टोटल 10 मेंबर होते हैं, और याद रखना आसियान में इंडिया मेंबर नहीं है। सार्क में याद रखना टोटल 8 मेंबर होते हैं, है ना, और इसमें इंडिया मेंबर है। तो याद रखना ये जो किया है ना वो किसके साथ किया है, याद रखना ब्राजील,
रसिया, इंडिया, चाइना और सबसे के साथ मिलकर किया है। अगला, विच फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट ए टाइप ऑफ FD, कि भाई अगर आप पैसा जमा करोगे तो आपके पैसे को हम ग्लोबल एमिशन के प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करेंगे, जहां पर प्रोजेक्ट होता है जिससे हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली बनेगा, हम ऐसे प्रोजेक्ट में इस पैसे को यूटिलाइज करेंगे। इसके लिए याद रखना ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट नाम का एक FD स्टार्ट किया है, आपको बताना है ये कौन सा बैंक है जिसने इस प्रकार का FD स्टार्ट किया है। व्हाट इज द राइट आंसर? गुड मॉर्निंग अंजलि सिंह जी, गुड मॉर्निंग, नींद खुल गई। अच्छा, बहुत लोगों की नींद खुली एक घंटा पूरा होने के बाद, है ना। देखो भाई, मैं तो कभी हारता नहीं, मैं तो 6-6-7 घंटे तक लगातार क्लास लिया हूं, है ना। मैंने जो क्लासेस ली है 8 घंटा मेरा लगातार क्लास का रिकॉर्ड है, मैं लगातार पढ़ाते रह गया, मैं कोई इशू नहीं हूं। आप परों पढ़ाते रह जाएंगे, आप और पूरा 6 महीने का रिवीजन करा देंगे, डिपेंड करता है आप पढ़ने के लिए तैयार हो कि नहीं। हमारे में तो बहुत भैया बहुत सहन शक्ति है, बहुत ही है, आप में है कि नहीं। तो याद रखना उस संस्था का नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, बोले तो HDFC बैंक इज द राइट आंसर। अंजलि, कोई टाइम तो फिक्स नहीं कह सकता हूं आपको SBI PO का फॉर्म कब आएगा, बट जैसे ही आएगा मैं उसकी नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में जरूर डालूंगा, ठीक है। फिलहाल तो भी आने का कोई चांस नहीं है, आएगा लेकिन आएगा जरूर, गारंटी। अगला, अभी हाल ही में इन पार्टनरशिप विथ विच इंस्टीट्यूट, किसके साथ इंटेल इंडिया ने एक प्लगिंग अलायंस लॉन्च किया है टू बूस्ट द इंडस्ट्री 4.0 रिवोल्यूशन इन द कंट्री। इंटेल इंडिया ने किस संस्थान के साथ साझेदारी में देश में उद्योग 4.0 क्रांति को बढ़ावा देने के लिए प्लगिंग अलायंस लॉन्च किया है, प्लगिंग अलायंस लॉन्च किया है। तो याद रखना IIT कानपुर के साथ, याद रखना इंटेल इंडिया ने ये कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है इंडस्ट्री को और बेहतर बनाने के लिए, एक प्रकार का सहयोग है इन द फील्ड ऑफ आईटी। वेरी नाइस सुरेंद्र कुमार जी। अच्छा, ये मुझे बताओ, सभी लोग मुझे लिख के बताओ कमेंट करके, क्या आप लोग थक गए हो, सही यस और नो, मुझे बताओ कमेंट करके क्या आप लोग थक गए हो, सही यस और नो। तो कहना, मेरा मानना है बिल्कुल थकना मना है, थकना गुना है, बस आप बैठ के सुनिए। मैं तो बैठ के बोल कह रहे हो कि मैं पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है। वेरी नाइस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में ये हो चुका है, सॉरी, यह क्वेश्चन तो हो चुका है। आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा विशाखापट्टनम, याद आया ना। ओके, देखो नाम बदल गए क्वेश्चन में, नाम चेंज किया है क्वेश्चन, है क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। यहां कह रहा है अभी हाल ही में 25 मेगावाट जो प्रोजेक्ट है वह कौन से प्रदेश में, कौन से सिटी में है। तो याद रखना यह आंसर हमारा है विशाखापट्टनम, वहां पे क्या था, स्टेट पूछा था, यहां पूछ रहा है जगह का नाम, अंतर है, ठीक है। और सरकार का ऐसा मानना भी है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये नया नहीं है, ये 2018 का ही ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला, ऐसा कौन सा इंटर गवर्नमेंटल बैंक जिसने लॉन्च किया है एक नया साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, जिसका पर्पस होगा विश्व में साइबर सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए इस फंड का यूटिलाइजेशन करना। ADB ने, वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, या इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर? कौन सी इंटर गवर्नमेंट बैंक ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया, इसका पर्पस क्या है, साइबर सिक्योरिटी को बेहतर करना। तो याद रखना ये किया है किसने, विश्व बैंक ने। टोटल 68 मेंबर, टोटल 189 मेंबर, टोटल 190 मेंबर, और इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा क्या होगा, बी, बोले तो वर्ल्ड बैंक ने। इंटर गवर्नमेंटल बैंक इसको कहते हैं क्योंकि ये सभी देशों की बैंक है, सभी देशों में ये हेल्प करती है, इसलिए याद रखना, ठीक है। इसका पर्पस जरा देख लो क्या है। तो यहां कह रहा है कि विश्व बैंक ने फंड लॉन्च करने के लिए 4 देशों, जिसमें कि एस्टोनिया हो गया,
जापान हो गया, जर्मनी हो गया और नीदरलैंड के साथ भागीदारी की है, ठीक है, यानी कि इस फंड का ये चार देशों के साथ मिलकर काम करेगा। द न्यू फंड हैज़ बीन डेवलप्ड एज ए एसोसिएट ट्रस्ट फंड अंडर द ब्रॉडर डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, यानी कि याद रखना एक प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का जिसका नाम है डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, उसके तहत काम कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है लेकिन गलती करोगे बहुत लोग, मैं गारंटी देता हूँ। देखना इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत करेंगे, जो क्वेश्चन को सही से पढ़ाएगा नहीं वो क्वेश्चन देखना बहुत लोग गलत करेंगे, गारंटी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश जिनका नाम है कल्याण सिंह, जो हमारे बीच में नहीं रहे, आपको ये बताना है इनका भी हाल ही में निधन हो गया, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अब आपको ये बताना है ये कौन से स्टेट के गवर्नर हुआ करते थे। जरा देखिए तो किस्म का गलत होता है ये क्वेश्चन। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत अच्छा यार, मेरे राम, गुड वन, गुड वन, वेरी नाइस। तो याद रखना कंफ्यूज ना होना, फोटो पर दिखावे के लिए है, फोटो का काम है दिखाना आपको, डिवेटिएट करना। और जिन्होंने पहले सेशन किया होगा उनका गलत नहीं होगा, गारंटी। तो याद रखना इसका नाम है राजस्थान, ठीक है, इसका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है राजस्थान, ठीक है, याद रखना। यह है 1992 की बात करें, 1997 की बात करें, ये मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन याद रखना यह है राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बने हुए हैं गवर्नर, और साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हुआ करते थे, ठीक है। कौन सी स्थिति में अभी हाल ही में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने देश का पहला, सेकेंड और विश्व का दूसरा रिफर्बिश्ड जेन बैंक की स्थापना की है, तो आंसर हमारा होगा न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला, किस प्रदेश ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, टैलेंट सर्च कैंपेन, जिसका पर्पस क्या होगा, उस प्रदेश में जो भी खिलाड़ी बहुत परफेक्ट होंगे उनको गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश सपोर्ट करेगा, और उस कैंपेन का नाम है क्या, टैलेंट सर्च कैंपेन एरिया ऑफ स्पोर्ट, यानी जो भी स्पोर्ट्स एरिया ऑफ स्टेट में हैं उन सभी में जो भी बेस्ट प्लेयर होंगे उनको मॉनिटर किया जाएगा, उनको हायर किया जाएगा, उनको वो सारी फैसिलिटी दी जाएगी जिसकी रिक्वायरमेंट है वहां पर, तो याद रखना उसका नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला, अभी हाल ही में कौन से बैंक के साथ होंडा कार ने एक एग्रीमेंट किया है, होंडा कार ने एग्रीमेंट किया है कि भाई देखो अगर कोई कस्टमर लोन लेके बहुत इजी वे में कार खरीदना चाहता है तो बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, तो याद रखना अभी हाल ही में कौन से बैंक के साथ होंडा कार इंडिया ने लिमिटेड ने अभी हाल ही में एक नया पार्टनरशिप किया है फिनांस सपोर्ट करने के लिए, उस बैंक का नाम क्या है, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक, यूको बैंक, याद रखना वो बैंक जो है उसका नाम है बेटा बिल्कुल सही कैनरा बैंक इज द राइट आंसर। अगला, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को कहते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, उसको शॉर्ट में कहते हैं EIU, जो कि याद रखना एक सेफ सिटी इंडेक्स को रिलीज किया है, आपको बताना है उस रिपोर्ट में कौन सा सिटी ने टॉप किया है, तो याद रखना दुनिया में सबसे सेफ सिटी अगर कोई वर्तमान में है तो याद रखना उसका नाम है कोपेनहेगन, ठीक है, दुनिया की सबसे सेफ सिटी है, याद रखना सबसे ज्यादा आतंकवाद कौन सी कंट्री में है, सबसे पहले नंबर पे उसका नाम है अफगानिस्तान, ये रिपोर्ट है, जरा देख लेते हैं इसको जरा जल्दी से हम लोग। कहते हैं इस रिपोर्ट में टॉप किया है किसने, जिसका नाम है कोपेनहेगन ने, ठीक है, सेकंड पे कौन है और तीसरे पर, तो याद रखना सेकंड पे हमारा कौन है, जिसका नाम है टोरंटो, तीसरे पे कौन हमारा है, तो याद रखना सिंगापुर, और याद है सबसे खराब कंट्री दुनिया की कौन है, यंगून, कभी नहीं जाना गलती से भी, और हमारे देश में कौन सी कंट्री रिपोर्ट क्या है, दिल्ली 48 नंबर पे सेफ है, मुंबई 50 नंबर पे सेफ है, चलिए लोन देता है गुप्ता जी, लोन देता है। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कहा है फोरम फॉर डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट कि भाई अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में
आने वाले फ्यूचर में हम प्रदूषण को डील नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए उसने कहा है कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए थोड़ा सा ऐसा हो, ऐसा बेहतर हो जिससे कम से कम चीज़ों को हम कंट्रोल कर पाए। तो याद रखना, ये कहना है किसका, दो संस्थानों का, ये कहना है नीति आयोग का और ये कहना है वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट का कि यस हमारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कम से कम प्रदूषण कम हो। अगला, वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। आपको बताना है दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया का जो रिपोर्ट है, इंडिया कौन से नंबर पे है। और याद रखना, इस रिपोर्ट को कुशमैन एंड वेकफील्ड ने रिलीज किया। इस रिपोर्ट को याद रखना, कुशमैन एंड वेकफील्ड ने रिलीज किया। आपको बताना है कि वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, यानी कि हर लोग चाहता है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना, क्योंकि याद रखना सेफ माना जाता है, यहाँ की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। तो इसका नाम होगा हमारा सेकेंड नंबर पे। अगला, ऐसी कौन सी एंटिटी है जिसने अप्रूवल दिया है बजाज फिनसर्व को कि आप म्यूचुअल फंड में अब बिजनेस कर सकते हो हमारे देश में। अभी हाल ही में बजाज फिनसर्व को म्यूचुअल फंड बिजनेस में करने के लिए कौन सी संस्था ने अप्रूवल दिया रिसेंट में। देखो, इरडा तो नहीं दे सकता है, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है फॉर इंश्योरेंस के लिए, इरडा तो नहीं दे सकता है, ठीक है। आरबीआई भी नहीं देगा, याद रखना देगा कौन, सेबी। सेबी ने साफ कह दिया है कि यस ये बना 1992 में, ये बना 1936 में, सॉरी 5 में, और इरडा कब बना ये मुझे बता दो आप लोग। और एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, मुझे बताओ जरा जल्दी से कमेंट करके आप लोग जल्दी से कि AMFI का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ मुझे जल्दी से जरा AMFI का फुल फॉर्म क्या होगा। याद रखना, इरडा हमारे देश में जो भी इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी है उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसका नाम है एसेट्स मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कहते हैं AMFI, एसेट्स मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको कहते हैं शॉर्ट में AMFI, ठीक है। अगला, अभी हाल ही में कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, याद रखना, फेरो नियो नामक एक नया प्रकार का अकाउंट ओपन किया गया है, किस बैंक के साथ, किस बैंक ने, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फ्रियो नियो नामक एक नया बैंक अकाउंट लॉन्च किया है जो चर्चा में रहा बहुत ज्यादा, जिसमें यह कहा गया कि आपको हम ब्याज बहुत ज्यादा देंगे। व्हाट इज द राइट आंसर। गुड मॉर्निंग नीरज चौरसिया जी, गुड मॉर्निंग, नींद खुल गई। तो याद रखना उस बैंक का नाम है दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसका नाम है, ठीक है। अगला, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, याद रखना, गंगा एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के लिए किस बैंक ने करीब 5100 करोड़ रुपए का उधार दिया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कौन से बैंक ने 5100 करोड़ रुपए गंगा एक्सप्रेस वे के लिए उत्तर प्रदेश को दिया है फॉर द पर्पस ऑफ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये उधार दिया गया है, उसका आपको बनाना है नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, HDFC बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखना ये लोन दिया है PNB ने, ये लोन किसने दिया है बेटा, याद रखना PNB ने, ठीक है। चलो अगला, वर्तमान में कुछ दिनों पहले अभी दोबारा चुने गए हैं ICICI बैंक के MD और CEO दोबारा, तो याद रखना ये बहुत चर्चा में रहे थे, इनका नाम है संदीप बख्शी। हमारे देश में सबसे बड़ा बैंक है इन द टर्म्स ऑफ प्राइवेट की बात करें तो उनका नाम क्या है, याद रखना ICICI बैंक। तो याद रखना संदीप बख्शी को दोबारा अपॉइंट किया गया है अभी हाल ही में, दोबारा, पहले तो यही थे, दोबारा भी इन्हीं को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अगला, हु हैज बीन अपॉइंटेड, जरा ध्यान सुनिएगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ज्वाइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राजीव गोबा जी, अभय कुमार सिंह जी, शशिधर जगदीशन, सलिल पारेख जी या पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, किनको हमारे देश में ज्वाइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के रूप में चुना गया है, उनका नाम आपको बताना है जल्दी से दोस्तों, बहुत ही शानदार। धीरे धीरे लोग सो के जग रहे हैं, धीरे धीरे लोग सो के जग रहे हैं, है ना। चलिए, तो याद रखना आंसर हमारा हो गया अभय कुमार सिंह को, याद रखिएगा
ज्वाइंट सेक्रेटरी चुना गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में, ठीक है। विच कंपनी, जरा समझना ध्यान से इसको, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ऐसी कौन सी कंपनी है जो बीकॉम फोर्थ इंडियन कंपनी हो गई है, जिसने करीब 100 मिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन को टच कर दिया। याद रखना, ऐसी कौन सी चौथी कंपनी है हमारे देश में जिसने 100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन को टच कर दिया, आपको बताना है उसका नाम। याद रखना, फर्स्ट पे जो है उसका नाम है TCS, ठीक है। फर्स्ट पे जो है उसका नाम क्या है, TCS। अगर मैं बोलूं दूसरे पे कौन है तो याद रखना उसका नाम है इन्फोसिस, और अगर मैं बोलूं तीसरे पे तो याद रखना उनका नाम क्या है, विप्रो। ये वर्तमान रैंकिंग है बेटा, ठीक है। अगला, टू विच कंट्री हैज इंडिया एक्सटेंडेड लोन देने को एक्सटेंड किया है ड्यू टू अफेक्टेड पॉपुलेशन टू टैकल द क्लाइमेट शॉक सिचुएशन, जलवायु की स्थिति को सही करने के लिए भारत ने कौन सी कंट्री को $1 मिलियन देने का विस्तार किया, आपको बताना उस कंट्री का नाम। व्हाट इज द राइट आंसर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज इज द राइट आंसर। तो याद रखना, इंडिया ने अभी हाल ही में कहा है कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे जिम्बाब्वे को, क्योंकि वहां पर एक अफ्रीकन कंट्री है जिम्बाब्वे, वहां पर बहुत सारे इश्यूज हैं लेकर, हंगर को लेकर, ठीक है। बेटा याद रखना, जो एसेंचर है ना, ये विश्व की नंबर वन है ना, एसेंचर, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगला, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि भाई 12%, समझना जरा ध्यान से, 12% क्लब ऐप, मतलब अगर आप लोन लोगे तो भी आपको देना होगा 12%, और जमा करोगे तब भी आपको मिलेगा 12%, यानी कि एक क्लब करके ऐप डेवलप किया है फॉर इनहेंसिंग द वर्किंग ऑफ द बैंक। उस बैंक, उस मतलब बेसिकली उस ऐप का नाम क्या है, तो याद रखना उसका नाम है भारत पे, यानी याद रखना भारत पे ने 12% क्लब ऐप को लॉन्च किया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग भाई निधि तिवारी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में, विथ विच कंट्री कंपनी हैज गूगल पार्टनर टू ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट यूजिंग गूगल पे ऐप, यानी कि अगर मान लो गूगल का कहना है कि अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है, आप तब भी अगर आप गूगल पे यूज करोगे तो आप उस ऐप के माध्यम से विदाउट अकाउंट ओपनिंग आप अपना फिक्स डिपॉजिट हमारे साथ ओपन कर सकते हो। याद रखना ये जो फैसिलिटी वो दे रहा है विद द हेल्प ऑफ, याद रखना, सेतु ऐप के द्वारा दे रहा है, ठीक है। और इसमें जो निचली वो आपको FD ओपन करवाएगा गूगल ना, वो करवाएगा पता है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के सपोर्ट में आपको करवाएगा, और इस पर आपको ब्याज कितना देगा, 6.35% आपको ब्याज देगा एक साल के लिए। वेरी नाइस सुरेंद्र कुमार, वेरी नाइस सोनी गुप्ता, वेरी नाइस दीक्षा जोशी, वेरी नाइस दीदी गुप्ता। देखो जो आज जागा उसको फायदा होगा, जो सोया उसको नुकसान होगा। चलिए अगला, अभी हाल ही में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स नेशंस के 11th नंबर का एक मीटिंग हुआ है फॉर सिक्योरिटी मीटिंग। पता होगा आपको ब्रिक्स का जो प्रेजेंसी है वो किसके पास है, इंडिया के पास है 2021 का, इसलिए जो भी मीटिंग होगी हमारे तरफ से जो लीड करते हैं वो लीड होगी। तो याद रखना उस मीटिंग को अजीत डोवाल जी ने लीड किया है, याद रखना टू एवरीबडी। बेटा अगर तिवारी जी कोई डाउट है ना तो मुझे ग्रुप में डाल देना, ठीक है। वेरी नाइस, देखो रोमियो जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रोमियो जी गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो याद रखना उसका नाम है अजीत डोवाल, यानी कि इन्होंने हाई सिक्योरिटी मीटिंग को मैं तब से क्या किया, लीड किया है। अगला, मिशन वात्सल, जरा समझना ध्यान से, मिशन वात्सल इन ऑर्डर टू हेल्प वोमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड ओ माय गॉड ड्यू टू COVID-19, किस राज्य ने मिशन वात्सल नामक इस योजना को शुरुआत की है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोविड के कारण अगर आपने अपने हस्बैंड को खो दिया तो राज्य सरकार आपका पूरा सपोर्ट करेगा। उस प्रदेश का नाम है दोस्तों महाराष्ट्र। एक याद रखना, एक स्कीम बड़ी प्यारी से स्टार्ट हुई है अभी परवरिश,
नाम क्या है? परवरिश। मुझे बताओ जो परवरिश योजना है कौन से स्टेट ने लॉन्च की है COVID-19 से निपटने के लिए? वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा नदीम भाई, बिल्कुल जहां से मिले वहां मन कर लो, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, शानदार। तो याद रखा ना, उस स्टेट का नाम है बिहार। अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च ए मोबाइल ऐप कॉल आनंद, यानी इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप उस संस्था की सारी सर्विसेज को अवेल कर पाओगे, उसका नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, EPF, इंडिया पोस्ट या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? व्हाट इज द राइट आंसर टू एवरीबॉडी? वेरी नाइस, बिल्कुल परवरिश मतलब बिहार योजना, जिसमें 1000 रुपए सरकार सपोर्ट कर रही है मंथली, जिनके पेरेंट्स नहीं रहे। याद रखना जो आनंदा ऐप हमारा है ना बेटा, वो LIC ने बनाया है, आनंदा। अगला, ऐसा कौन सा स्टेट और यूटी है जिसने अभी हाल ही में कहा है कि अपने प्रदेश में हम इंडियन रेसलिंग को और सपोर्ट करेंगे, और उसके लिए उन्होंने खर्च करने की बात की 170 करोड़ रुपए? ऐसा कौन सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, जिसने कहा भारतीय कुश्ती को अपनाया है और कहा है कि हम इस पे 170 करोड़ रुपीज को निवेश करने का उम्मीद है, उस स्टेट का नाम क्या है? तो याद रखना उस स्टेट का बेटा नाम क्या होगा, उसका नाम होगा माननीय उत्तर प्रदेश। अगला, अभी हाल ही में पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है दोस्तों, याद रखना, बहुत प्यारा, गलती मत करना। अभी हाल ही में पता होगा हमारे देश में ईज रिपोर्ट आई है एनहेंसिंग बैंकिंग के लिए, याद रखना ईज 4.0 लॉन्च हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन ये, जरा ध्यान सुनिएगा कि जो पिछला हमारा था ईज 3.0, तो इसमें कौन से बैंक ने परफॉर्म बेटर किया इन द फील्ड ऑफ बेसलाइन परफॉर्मेंस में? मैं फिर से बोल रहा हूं, ओवरऑल नहीं पूछ रहे हैं, बेसलाइन परफॉर्मेंस में किस बैंक ने परफॉर्म अच्छा किया, आपको यह बताना है टू एवरीबडी। कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? अच्छा देखो, बहुत लोग गलती किए हैं, बहुत लोगों का गलती हुआ है। वेरी नाइस, ओवरऑल तो SBI, ओवरऑल तो SBI। जरा समझना, मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसलाइन में परफॉर्मेंस में किसने अच्छा किया। वेरी नाइस नदीम, वेरी गुड। रोमियो बेटा थोड़ा सा ध्यान करो, संजय ने कहा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नहीं 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 ठीक है, और बताओ जरा। तो याद रखना उस बैंक का नाम है इंडियन बैंक, ठीक है। आगे, अभी हाल ही में ऐसा कौन सा सेकेंड राज्य है जिसने कहा कि यस हम अपने प्रदेश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च कर देंगे? पता होगा आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी 2020 में, जिसमें ये कहा गया था कि जो हमारे स्कूलिंग सिस्टम को थोड़ा हम और बेहतर कर पाएंगे, तो ठीक है। याद रखना सबसे पहले हमारे देश में कर्नाटका ने इसको लॉन्च कर लिया, वन, और दूसरा हमारा कौन है? तो याद रखना दूसरा हमारा है MP, दूसरा हमारा कौन है बेटा? MP, याद रखना, दिस इज वेरी। बेटा सुजीत सर की कौन क्लास नहीं है, मुझे नहीं पता यार सुजीत कौन है भाई, सर सुजीत की क्लास तो नहीं पता, सुजीत सर कौन है? रोहित, आई डोंट नो द सुजीत सर। बेटा यहाँ तो सुजीत सर कोई नहीं है, आज संडे है ना, कोई क्लास नहीं है। यस यस यस, आई डोंट नो सुजीत सर, बेटा सुजीत सर कोई नहीं है। यस यस, मैंने देख लिया आपका मैसेज रोहित कुमार जी, सुजीत सर कोई नहीं है यार, ठीक है। चलिए अगला, अभी हाल ही में चाइना, मंगोलिया, थाईलैंड और पाकिस्तान, इन सब ने मिलकर, याद रखना अभी हाल ही में पार्टिसिपेट किया मिलिट्री एक्सरसाइज में, आपको बताना है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? शेयर डेस्टिनी 2.0, शेयर डेस्टिनी 2.021, शेयर डेस्टिनी 2.01, या इनमें से कोई नहीं? भाई बिल्कुल लॉजिकल होगा, आंसर हमारा क्या होगा? शेयर डेस्टिनी 2020-21 इज द राइट आंसर। अगला,
अभी कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि जो हम अपने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक योजना स्टार्ट किए थे लास्ट ईयर, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, जिसमें कहा गया था कि हम उनको 10,000 रुपीज दे रहे थे विदाउट कोलेट्रल फ्री ऑफ कॉस्ट में, और इसमें जो भी ब्याज होगा वह स्टेट और सेंट्रल मिलके बेयर करेगी। उस योजना को याद रखना, वर्तमान में इस योजना में शामिल कर लिया गया जिसका नाम है PIDF। इसका नाम क्या है बेटा, याद रखना, PIDF। तो याद रखना, जो PIDF की बात करें तो उसको कहते हैं, याद रखना, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। यानी कि इंडिया में हम कहीं भी जब मूव करते हैं तो जो हमारे पास पेमेंट के मीडियम होना चाहिए ना, बहुत ईजी होना चाहिए। आज हम जब बाहर जाते हैं तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए पेमेंट करना। तो इसी पेमेंट सिस्टम को और बेहतर करने के लिए सरकार ने लास्ट एक योजना स्टार्ट की, इसका नाम है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, की शुरुआत की विद हेल्प ऑफ RBI। अगला, अभी कुछ दिनों पहले, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किनको बना दिया गया, क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI, हर्षित राजा जी को, एनके सिंह तो नहीं बनेंगे, मोहम्मद आजम नहीं बनेंगे, आंसर हमारा होगा अजय कुमार जी को बना दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, अगला, मेल हो चाहे फीमेल दोनों एक है, मेल हो चाहे फीमेल दोनों एक है, हम लोग किस दिन इसको मनाते हैं बताओ मुझे जल्दी से, मेल हो चाहे फीमेल ये दोनों एक है, हम लोग इसको कब मनाते हैं बताओ मुझे जल्दी से, वॉट इज द राइट आंसर। तो याद रखना, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 29th ऑफ अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय यूथ दिवस, और याद रखना 26 अगस्त को मनाते हैं कब, क्या, दोनों एक दिन, फीमेल और, संजय बेटा गलती कर दी, 29 को तो स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, ध्यानचंद का बर्थडे है, याद है, ठीक है, आज याद रखना आप लोग सभी लोग बेटा 29th ऑफ अगस्त है, और याद रखना आज हम लोग मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, अगर आपको याद होगा, क्योंकि अगर आपको मैं बोलूं, जो हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, उनका आज बर्थडे है, याद रखना ध्यानचंद का आज क्या है बेटा, बर्थडे है, उन्हीं की याद में आज मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, टू एवरीबडी, याद रखना टू एवरीबडी। अगला, शंकर सुब्रमण्यम बाबू नारायण, जिनका भी हाल ही में कुछ दिनों पहले निधन हो गया, आपको यह बताना है ये कौन से फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, फिल्म मेकिंग पोएट है, कॉमिक राइटर है, या ओलंपियन फुटबॉलर है, आपको यह बताना है, इनका भी कुछ दिन पहले निधन हो गया, बहुत फेमस है शंकर सुब्रमण्यम बाबू जी, जिनका कुछ दिनों पहले ही निधन हो गया है। ओके बेटा, बिल्कुल नीरज भी, मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहा हूं यार, शंकर सुब्रमण्यम जी याद रखना, एक बहुत फेमस शंकर सुब्रमण्यम याद रखना, बहुत फेमस एक क्या है ये, बहुत फेमस याद रखना, एक ओलंपियन फुटबॉलर है, जिनका भी कुछ दिनों पहले क्या हो गया है, निधन हो गया है। अगला, अच्छा हम सभी लोगों को पता होगा हर 2 महीनों पर बायो मंथली पॉलिसी रिव्यू होती है, ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन क्या हुआ, अगर कोई पूछेगा कि बताओ साल भर में कितनी पॉलिसी आती है, तो हम कहेंगे साल में टोटल आती है 6 पॉलिसी, यानी कि 6 टाइम्स आती है, पहला पॉइंट, ठीक है। इसको लाता कौन है, तो लाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी लाती है, बिल्कुल ठीक है। इस कमिटी में कितने मेंबर होते, तो आप बोलोगे सर इसमें 3 मेंबर होते हैं जो RBI अपॉइंट करती है, और इसमें जो 3 मेंबर होती हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, यानी कितने मेंबर होते हैं टोटल, 6 मेंबर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रेट्स होते हैं, जैसे रेपो रेट्स हो गए, जैसे रिवर्स रेपो रेट्स हो गए, जैसे कैश रिजर्व रेशियो हो गया, जैसे SLR हो गया, जैसे MSF हो गया, इन्हीं को घटा के बढ़ा के मार्केट में मनी के फ्लो को क्या करती है, कंट्रोल करती है, और उसे कहते हैं हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अभी वर्तमान में MSF क्या है,
वर्तमान। तो याद रखना अभी जो रेपो रेट है वो याद रखना 4%, रिवर्स रेपो रेट जो है याद रखना 3.25%, जो CRR है याद रखना 4%, SLR कितना है 18%, और जो MSF है वो कितना है 4.25%। ये आंसर हमारा क्या हो गया, 4.25% इज द राइट आंसर, है ना, याद है सभी लोगों को ना। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। वेरी नाइस, ठीक है, चलो। और याद रखना एक बड़ा प्यारा सा इसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं उसको भी बता दूं आप लोगों को। ये पॉइंट जरा देख लो क्या है, ये पॉइंट क्या कहता है कि अभी हाल ही में याद रखना द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑल्सो अनाउंस टू कंडक्ट टू मोर ऑक्शन ऑफ ₹25 करोड़ ईच इन अगस्त 2021 फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इक्विटी। यानी कि सरकार का ये कहना है कि 50,000 करोड़ का हम सरकारी प्रतिभूतियों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदे और बेचेंगे अगस्त में। अगला, ये रट लो सभी लोग, ये लर्न कर लो, है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रखना। और हाँ, जिनको भी जो भी वीक हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस में, तो याद रखना मैंने भी 2 दिन पहले एक सेशन स्टार्ट किया है, है ना, दोपहर में 12 बजे, आज नहीं होगी, आज संडे है, जहां मैं करा रहा हूं बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो वहां जरूर ज्वाइन करिए सभी मेंबर। ओके, यहां तक क्लियर बेटा सभी लोगों का? याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सामने दिख रही है आपको, है ना, इसको सभी लोग जरूर एकदम माइंड में मेमोराइज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलो अगला, अभी हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है एक हेल्थ कॉस्ट स्टडी टू अपग्रेड द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया इन लाइन विद द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ इसरो। व्हाट डज यू सिग्निफाई इन क्वेस्ट? इसरो के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों को अच्छा करने के लिए अभी हाल ही में एक नया सिस्टम डेवलप किया है इसरो ने। आपको बताना है कुष्ठ में यू का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज द राइट नेम। हाँ बेटा, एग्जाम स्टडी विद शुभम जी, बिल्कुल, रेपो रिवर्स रेपो रेट 3.35 भी तो मैंने लिखा है, 3.35, तो याद रखना इसका मतलब होता है अपग्रेडेशन। और याद रखना क्विस्ट का फुल फॉर्म इसको कहते हैं क्या, हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल बाय स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इसरो इज द राइट आंसर। अगला, विच एंटायटी आसाम गवर्नमेंट, अभी किसके साथ आसाम गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया है, एक MOU किया है टू गेट एन असिस्टेंस सपोर्ट फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच आर बीइंग एग्जीक्यूटेड इन आसाम। यानी कि आपको ये बताना है आसाम सरकार ने किस इकाई के साथ आसाम में सपोर्ट के लिए एग्रीमेंट पे साइन किया है, यानी आपको बताना है उसका नाम। तो याद रखना दो के साथ साइन किया है, किसके साथ, दो के साथ, आसाम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी ने साइन किया है नाबार्ड के साथ मिलके, कि आसाम में जो भी फिनांस का काम होगा फॉर एनी प्रोजेक्ट के लिए तो उसमें नाबार्ड सपोर्ट करेगी आसाम गवर्नमेंट की, किसकी, आसाम गवर्नमेंट की, ठीक है। अगला, बहुत फेमस लेडी हैं और याद रखना इनको बनाया गया है अभी हाल ही में डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं। आपको बताना है इनका नाम क्या है, सोमा मोंडल जी, स्मृति ईरानी जी, डॉक्टर धृति बनर्जी जी, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना वर्तमान में हमारे देश में एक संस्था जिसका नाम है सेल, जिसको कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिनका नाम है सोमा मंडल, उनकी अध्यक्ष हैं। अगर मैं बोलूं मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करूं तो याद रखना स्मृति ईरानी जी उसकी हेड हैं। और याद रखना ये जो बनी है GZSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनकी बनी है डॉक्टर धृति बनर्जी जी, वर्तमान में हेड बनी है, ठीक है। अगला, विच इज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर इट्स कस्टमर टू UPI ऑटो पे फैसिलिटी। मतलब
पैसे अपने ग्राहकों को यूपीआई ऑटो पे सुविधा प्रदान करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन है, यानी कि आप यूपीआई के माध्यम से भी आप अपने इंश्योरेंस की पॉलिसी के प्रीमियम को पेड कर पाओगे विदाउट टेंशन। व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर, किस इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि आप हमारी प्रीमियम को ऑटो पे के द्वारा भी पेड कर पाएंगे, उसका नाम क्या है? तो याद रखना उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने यह फैसिलिटी की है कि यह अगर आपको इंश्योरेंस पे करना है तो ऑटो पे लगा सकते हैं विद हेल्प ऑफ एनी यूपीआई ऐप। अगला, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है विच इज द हाईएस्ट रैंक इंडियन कंपनी ऑन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2021 इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू विथ रेवेन्यू ऑफ नियरली 63 बिलियन, लगभग $63 मिलियन के राजस्व के साथ, राजस्व के मामले में 2021 के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री है, भारतीय स्टेट बैंक है, इंडियन ऑयल है, टाटा मोटर्स है या भारत पेट्रोलियम? व्हाट इज द राइट आंसर, मुझे बताओ जरा जल्दी से, व्हाट इज द राइट आंसर। यस बिल्कुल हम है ना ख्याल आपका, व्हाट इज द राइट आंसर, ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में शामिल हुई है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, हाईएस्ट रैंक कंपनी है? तो याद रखना एक ही तो होगा जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। अब जरा समझ लो इसको, ठीक है, इस रिपोर्ट में कुछ डेटा हमें समझना बड़ा जरूरी होगा। उस रिपोर्ट में याद रखना ग्लोबली अगर मैं बात बोलूं तो याद रखना इस रिपोर्ट में वॉलमार्ट जो है ना वो टॉप कर रही है, यानी कि याद रखना जो वॉलमार्ट होगी हैज टॉप द लिस्ट, हैज टॉप द लिस्ट की बात कर रहे हैं याद रखना, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एट कंजरा सोचो लगातार 8 सालों से यह टॉप कर रही है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर मैं बात करता हूं चाइना की तो याद रखना चाइना इस लिस्ट में सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपनी अगर कोई है इस लिस्ट में तो उसकी है करीब 143 कंपनी आउट ऑफ 500। उसके बाद यूएस लीड कर रहा है जिसकी 122 कंपनी लीड कर रही है, फिर हमारा जापान है जो लीड कर रहा है 53 कंपनियों के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर। पहले पर रिलायंस है, दूसरे पे SBI है, तीसरे पे इंडियन ऑयल है, चौथे पर दिख रहा होगा आपको ONGC है, राजेश एक्सपोर्ट, टाटा मोटर्स और भारत पेट्रोलियम, ये 7 ऐसी कंपनी हैं जो इस लिस्ट में शामिल हुई है 500 वाली कंपनी की लिस्ट में। अगला, अभी हाल ही में कौन सा ऐसा बैंक है जिसने ऑथराइज किया है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एज एजेंसी बैंक, यानी याद रखना ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, किस बैंक को RBI ने कहा कि हम जो भी सिक्योरिटी सरकारी प्रतिभूतियों को ऑक्शन करेंगे तो उसका जिम्मेदारी आप उनके बिहाफ में, सरकार के बिहाफ में काम करोगे, उस बैंक का नाम क्या है जिसको हम लोग कहते हैं एजेंसी बैंक, याद रखना व्हाट इज द राइट आंसर, एजेंसी बैंक को किस बैंक को बनाया आरबीआई ने, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बेटा एकदम याद करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, उस बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक, जो जब भी सिक्योरिटीज का ऑक्शन होगा तो जो भी जिम्मेदारी होगी उस बैंक की होगी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बच्चे गलती करेंगे इसको मार देंगे SBI PNB, बट आंसर क्या है, इंडस बैंक को बनाया गया एजेंसी बैंक जो ऑन द बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग में हेल्प करेगा RBI की। अगला, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुए हैं हम सभी लोगों को पता है, तो उस टोक्यो ओलंपिक में 57 kg वर्ग में फ्री स्टाइल कैटेगरी में किनको मिला है सिल्वर मेडल, मुझे बताओ जरा जल्दी से, मजा आ जाएगा, दीपक पुइया जी, रवि कुमार दहिया जी, बजरंग पुनिया जी, योगेश्वर कुमार दत्त जी, या इनमें से कोई नहीं, हु हैज वन सिल्वर फॉर इंडिया इन मेंस 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी रेस्लिंग एंड टोक्यो ओलंपिक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और हाँ मैंने एक सेशन लिया था ओलंपिक में ऑलरेडी, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, अगर आपने वो सेशन नहीं किया तो एक बार जरूर करिए उस सेशन में, उसमें सारी डिटेल मैंने दी ओलंपिक से रिलेटेड जिन्होंने भी नहीं किया, ठीक है,
तो याद रखना, थोड़ा कन्फ्यूजन ना होना, इनका नाम है रवि कुमार दहिया, याद होगा। इस बार ओलंपिक में हमें इंडिया को मिले हैं टोटल 7 पदक, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पदक हैं सोफा जब से ओलंपिक में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, 1920 से बात कर रहा हूँ। जरा सोचो 1920 से लेकर 2021 तक लगभग 100 सालों में सबसे ज़्यादा पदक हमारे किसने मिला है, इस साल मिला है 2021 में 7 पदक मिले, साथ में गोल्ड भी मिला है पहली बार। जरा सोचो कितनी बड़ी सम्मान की बात है इंडिविजुअल में। RRBPO के लिए कितने मंथ का करंट अफेयर्स तैयार कर लें, क्योंकि सर जॉब सर टाइम नहीं। ओके, बहुत इजी, जब भी एग्जाम है उससे 6 महीना पहले, है ना, जब भी एग्जाम है उससे 6 महीना पहले आपको करना होगा, ठीक है। 6 मंथ बैक, ओनली 6 मंथ बैक रवि जी, ठीक है। अगला, अभी हाल ही में एक न्यूज आई है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, चूंकि पता होगा आपको इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है, हरियाणा के गुरुग्राम में है, ठीक है। तो याद रखना, विच इज द 5th कंट्री टू साइन ISA, ऐसी कौन सी कंट्री बनी है 5वीं कंट्री जिसने इस फ्रेमवर्क को साइन किया है, जर्मनी, USA, रसिया, चाइना या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जर्मनी उस कंट्री को साइन करने वाला हो गया, 5वां मुल्क हो गया, ठीक है। अगला, माननीय केजरीवाल जी ने ये कहा है कि भाई दिल्ली को हम 2047 तक बना देंगे ग्लोबल सिटी, यानी कि वो ये सोचते हैं कि 2047 तक उनकी सरकार रहेगी। हे भगवान, क्या क्या लोग करते हैं, पहले अपने गड्ढे को भर लो, सीवेज सिस्टम को सही कर लो, फिर बाकी ग्लोबल सिटी बनाइएगा। तो याद रखना, उसका नाम है दिल्ली एट द रेट 247, क्योंकि पता होगा आपको उस साल आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। What amount of penalty was imposed by RBI on HP Financial Services Limited? अभी हाल ही में पता होगा, पेनाल्टी पे मैं एक्सेस ने भी लिया था, फिर अभी दोबारा लूंगा। अभी हाल ही में RBI ने HP, सुना होगा बहुत फेमस कंपनी, लैपटॉप की IT कंपनी, उसी की एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी पे RBI ने पेनाल्टी लगाई है ड्यू टू सम ब्रीचेस। तो आपको ये बताना है, ये पेनाल्टी जो लगाई है वो कितने अमाउंट की लगाई है, और याद रखना कि जो पेनाल्टी लगाई गई है ना, द पेनाल्टी वॉज इम्पोज ऑन बेसिस ऑफ, याद रखना, पावर जो कि RBI के पास है, जो कि मेंशन है इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 34, और साथ में याद रखना एंड द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंप्लेंट रेगुलेशन एक्ट 2005। तो याद रखना, इसी के तहत टोटल 6 लाख का पेनाल्टी लगाई है किसने, RBI ने। किस पे लगाई है, HP पर, ऐसे याद रखना, HP पर पेनाल्टी लगाई 6 लाख रुपए की। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफर $112 million ऑफ लोन टू झारखंड फॉर वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, झारखंड को जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कौन से संगठन ने $112 million के ऋण की पेशकश की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को बैंक ने दिया है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है ना, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने दिया है, या NDB ने दिया है, वॉट इज द राइट आंसर, किसने दिया है आपको ये बताना है जल्दी से टू एवरीबडी। बहुत ही शानदार, वेरी नाइस। तो याद रखना, अगर मैं ADB के बारे में बोलूं तो याद रखना, इसमें वर्तमान में टोटल 68 मेंबर हैं, वर्ल्ड बैंक में याद रखना टोटल 189 मेंबर हैं, अगर मैं बोलूं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में तो याद रखना 103 मेंबर हैं, और NDB की बात करूं तो याद रखना इसमें टोटल 5 मेंबर हैं। जो भी सेशन को देख रहे हैं, सेशन को बाद में देखेंगे, मेरा उनसे एक प्रश्न है, सेकंड, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर, आप मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है, ऑल मेंबर। तो याद रखिएगा टू एवरीबडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, किसने दिया झारखंड को, तो याद रखना देने वाले लोन में इनका नाम है ADB ने दिया, इसका हेडक्वार्टर मनीला, वर्ल्ड बैंक Washington DC, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना बीजिंग, NDB चाइना, ठीक है। आगे, ADB का हेडक्वार्टर मनीला में, इसके प्रेजेंट कौन है, मसाताका असकाबू, झारखंड के CM कौन है, हेमंत सोरेन जी है, और याद रखना रमेश बैस, पीछे ने पीछे बोला था रमेश बैस, याद रखना ये वर्तमान में क्या है, तो याद रखना ये वर्तमान में झारखंड के गवर्नर हैं, ठीक है। अगला,
With which institute has IFCO Nano Biotechnology Research Center ने साइन किया है MOU to jointly work for research consultancy, knowledge transfer and collaborating project? IFCO के Nano Biotechnology Research Center ने कौन से संस्थान के साथ अनुसंधान परामर्श ज्ञान हस्तांतरण और सहयोगात्मक परियोजनाओं के लिए संयुक्त रूप से काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, उनका नाम क्या है? व्हाट इज द राइट आंसर? वेरी नाइस एग्जाम स्टडी, वेरी नाइस निधि तिवारी बेटा, बहुत ही शानदार, वेरी नाइस। चलिए हम लोग धीरे धीरे मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है। मुझे देख रहे हैं जिनका स्कोर 50 प्लस होगा वो गुड की कैटेगरी में, जिनका स्कोर 75 प्लस होगा वो बेटर होंगे, जिनका स्कोर 90 प्लस होगा वो आज बेस्ट होंगे। तो मुझे देखना है कि आज कितने ऐसे हैं जो बेस्ट वाले हैं, कितने ऐसे हैं जो बेटर वाले हैं, कितने ऐसे हैं जो गुड वाले हैं, और जो 50 से कम हैं वो ख़राब नहीं हैं, वो उनको नीड चाहिए थोड़ा सा और ज़्यादा, ठीक है। देखेंगे हम लोग। बेटा सतीश कुमार जी आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइए, ठीक है, वहाँ पे आपको सारी क्लास की मिल जाएगी PDF टू एवरीबडी। तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा IIT दिल्ली, यानी याद रखना IIT दिल्ली के साथ मिलके IFCO ने एक समझौता किया है, ठीक है। ये कुछ हमारा प्यारा है, जरा इसको समझना। इंडिया ने अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इंडिया ने अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन टोक्यो ओलंपिक में, फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन हॉकी सिंस 1980, बिल्कुल सही बात है। तो इंडिया ने किसको हरा कि ये मेडल जीता, आपको ये बताना है। अर्जेंटीना को, यूके को, फ्रांस को, जर्मनी को कि बेल्जियम को? भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, 1980 के बाद हॉकी में पहला ओलंपिक पदक भारत ने कांस्य पदक मैच में किस टीम को हरा के जीता है, आपको ये बताना है। अर्जेंटीना, यूके, फ्रांस, जर्मनी या बेल्जियम, व्हाट इज द राइट आंसर? यह क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि कोई भारतीय तो गलत नहीं करना चाहिए, है ना, ये भारतीय की कितनी प्राउड मोमेंट की बात है यार। तो याद रखना बेल्जियम को हरा के हमने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ये बहुत सम्मान की बात है दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि सेशन अच्छा चल रहा है तो इसे शेयर जरूर कर दिया करो टाइम टू टाइम, आपका एक शेयर, याद रखना जो मेरी धड़कने है ना दुख 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 करती और बढ़ जाती है, और आपका एक लाइक हमें और मोटिवेट करता है, याद रखना टू एवरीबॉडी। अगला, अभी हाल ही में ऐसी कौन सी व्यक्ति हैं जिन्होंने G20 के कल्चरल मिनिस्टर को लीड किया फ्रॉम इंडिया की तरफ से, यानी कि पता होगा G20 कल्चरल मिनिस्टर की मीटिंग को किसने लीड किया? G20 की अगर मैं बात बोलूँ तो याद रखना इसमें टोटल 19 कंट्री होती हैं और एक होती है हमारी यूरोपियन यूनियन, और याद रखना इस यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर होते हैं, 27 मेंबर होते हैं। तो याद रखना उस मीटिंग को जो हमारी टूरिज्म की जो मिनिस्ट्री है, कल्चरल मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने इसको लीड किया। दो मिनिस्टर होते हैं ना, एक मेन और एक कैबिनेट और एक स्टेट वाले, तो ये स्टेट मिनिस्टर है मीनाक्षी लेखी, इन्होंने इसको लीड किया, ये याद रखना सभी लोग। अगला क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, बहुत लंबे तरह में। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक बाउचर, यानी कि अब आपको अगर पेमेंट करना है तो आप बाउचर को भी ले सकते हैं और कहीं पेमेंट कर सकते हो, बाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं ई-रूपी, ठीक है। आफ्टर विथ देयर विल बी नो नीड फॉर अ कार्ड, यानी आपको कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, नेट बैंकिंग की नीड नहीं पड़ेगी टू रिडीम वाउचर। ई-रूपी हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी इस ई-रूपी को किसने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है किसने डेवलप किया होगा। तो याद रखना नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है दोस्तों, ठीक है। याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का रेगुलेटर, शेयर मार्केट का रेगुलेटर कौन हो गया हमारा, सेबी हो गया। हमारे देश में कुछ भी वेजेस पॉलिसी व्हाटएवर की बात करें तो कौन लागू करता है, IBA करता है। और याद रखना एक RBI का पहले सब्सिडियरी हुआ करता था, अब नहीं है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट
एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जो कि आरबी की पहले सब्सिडियरी हुआ करती थी, ठीक है। अगला बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टेकन ओवर फ्रॉम फ्रांस टू एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपको पता होगा हर मंथ में हर कंट्री को मिलती है जिम्मेदारी, ठीक है, हर कंट्री में रोटेट होता रहता है। याद रखना टोटल इसमें जो यूएनएससी है इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, याद रखना। इसमें जो 5 मेंबर होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, और जो बाकी के 10 मेंबर हैं ना वो हर साल बदलते रहते हैं 2 सालों पर, और हर मंथ में एक को मिलती जिम्मेदारी। तो किसने लिया आपको बताना है, फ्रांस से किसको मिला फॉर द मंथ ऑफ अगस्त के लिए। तो याद रखना मिला किसको, इंडिया को। और जरा देख लेते हैं मेंबर्स के नाम। अगर मैं बोलूं कि 5 कौन से मेंबर फिक्स हैं, तो देखो इसी को हम लोग बिग 5 बिग के नाम से भी जानते हैं, बिग 5 के नाम से भी जानते हैं। चाइना फिक्स है, फ्रांस फिक्स है, रसिया, यूके और यूएसए, ये 5ों फिक्स हैं। और 10 मेंबर होते हैं कौन से, नॉन परमानेंट मेंबर, जो कि याद रखना 2 सालों के लिए चुने जाते हैं, है ना। और यूएनएससी कब बना, तो ये बना 1945 में बनके तैयार हो गया। अगला, हु अमोंग द फॉलोइंग, अभी कंफ्यूज मत होना, अभी हाल ही में किनको बनाया गया 25 नंबर का कंट्रोलर जर्नल ऑफ अकाउंट। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किनको बनाया गया कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, मैं ये पूछ रहा हूँ किनको बनाया गया देश का 25वां कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी कि निम्नलिखित में से किसे 25 नंबर का लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है आपको। बताओ मुझे जल्दी से आंसर क्या होगा। वेरी नाइस, तो याद रखना इनका नाम है दीपक दास, याद रखना इनका नाम क्या है, दीपक। अगर कोई पूछता है कि बताओ हमारे कैग कौन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, अगर कोई पूछता है कैग कौन है, तो नाम क्या है, GC मुर्मू, बोले तो गिरीशचंद्र मुर्मू इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। अगला, हमारे नेवल स्टाफ के अभी हाल ही में कौन बने हैं नए वाइस डिप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, रणवीर सिंह, विवेक राम चौधरी, राजेश पेंडारकर, SN गोरमोरे, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो चुने गए हैं उनका नाम है SN गोरमोरे, यानी याद रखना हमारे नेवीज के, मैंने बात करो नेवी के, जिनके हेड है करमवीर सिंह, अगर आपको याद होगा करमवीर सिंह, तो याद रखना उसी नेवी के वाइस डिप्यूटी चीफ बने हैं नेवल स्टाफ के, क्या इनका नाम है, SS गोरमोरे जी, SS गोरमोरे जी। अगला, एंड दिस इज फॉर टुडे 100 क्वेश्चंस, क्या सांस से बैठे हैं, ये क्वेश्चन क्यों मैंने रखा है साहब, पता है 100 नंबर पे, क्योंकि जो इनका नाम है ना, इन्होंने बहुत कुछ किया है COVID-19 में हम सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो इनको एक अवार्ड मिला है, इस अवार्ड का नाम है नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021। तो याद रखना ये वही है जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाई, जिनकी कंपनी ने, इनका नाम है साइरस पूनावाला। ये सेरम इंस्टीट्यूट का नाम सुना है आपने, सेरम इंस्टीट्यूट का नाम पूनावाला, उन्हीं के ये हेड है, ये पता होगा आपको, सेरम उसी के ये हेड है ना। तो फाइनली टुडे सेशन इज कंप्लीट, है ना। अब मुझे जरा ये बताओ टू एवरीबॉडी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, पहला काम ये। और मुझे जरा ये बताओ सभी लोग जरा जल्दी से कि आज की कैटेगरी क्या रही आप लोगों की, आप किस में आते हो, गुड, बेटर और बेस्ट, क्योंकि कैटेगरी को जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू एवरीबॉडी। आप किस में आते हो, गुड, बेटर और बेस्ट में। और याद रखना ये अगस्त का मैंने कराया है टॉप 100 क्वेश्चन, एक मैं सेशन इस पर और लूंगा 2 घंटे की, जिसमें मैं अगस्त इस मंथ का हमें दूसरा भी पार्ट पूरा कर लेंगे, इसमें हम अगस्त के जो भी काम का डेटा है वो सारा पूरा कर लेंगे। वेरी नाइस, निधि तिवारी का स्कोर है 95.100, थैंक यू, वेरी नाइस। गुलबाग जी,
वेरी नाइस, बहुत अच्छा, शानदार। ओके, आपने सब लास्ट में स्टार्ट किया था ना एक्चुअली, वेरी नाइस, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस रोमियो, बहुत अच्छा, आपने अच्छा स्कोर किया यार। वेरी नाइस नीरज चौरसिया, गुड वन, थैंक यू, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट, थैंक यू। टेक प्रॉमिस करो सभी लोग मेरे साथ, करोगे प्रॉमिस बताओ। प्रॉमिस ये करो कि सभी लोग आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे और कमेंट में लिखोगे कि मेरा स्कोर कितना आया और आपको सेशन कैसा लगा। टू एवरीबडी, इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, कमेंट करेंगे है ना, क्योंकि याद रखना आपका कमेंट हमें और मोटिवेट करता है क्लास को लेने के लिए। ये हमने अगस्त मंथ के टॉप 100 क्वेश्चंस को मैंने कवर करा है आज, याद रखना ठीक है। इसका मैं सेकंड पार्ट भी लूँगा और मैं भी, ये सितंबर पूरा हो जाए ना, सितंबर नहीं अगस्त खत्म हो जाए ना, तो मैं इसका सेकंड पार्ट और ले लूँगा ठीक है। और सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप जुड़े रहे मेरे साथ 2 घंटे, ये आपके लिए बहुत बड़ा बात है। हम लोग तो चलो पढ़ाते हैं लेकिन आप बैठ के पढ़ लिए, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू, थैंक यू। मुझे याद भी याद है जब मैं 5 आवर्स की मैंने मैराथन क्लास ली थी तो बच्चे डटे रहे थे। तो एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग आपको देख के मोटिवेट होते हैं कि अगर एक बच्चा इतना कर सकता है तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं ठीक है। और हम लोग का बस एक ही पर्पस ये रहता है कि आप बेहतर करो। देखो मैंने हमेशा कहा है कि जीए कभी हार्ड है ही नहीं, लोग इसे बदनाम करते हैं। जीए कभी हार्ड होता ही नहीं है, लोग इसे बदनाम करते हैं, और जीए हमेशा लोगों को सपोर्ट करता है। ओके बेटा, एग्जाम स्टडी बिल्कुल सुन, बिल्कुल करिए है ना। और सभी लोगों को थैंक यू, और सभी लोगों को बता दो कि मैं दिन में आता हूँ, सॉरी मैं दिमाग में नहीं आता, दिन में आता हूँ मैं। आजकल मैंने एक नया सेशन स्टार्ट किया है 12:00 PM, याद रखना, जहाँ मैं करा रहा हूँ याद रखना, बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, याद रखना टू एवरी डेली मैं कराता हूँ इसको, इसको जरूर करिए एक बार, जरूर देखो, ये मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और शाम को मैं कराता हूँ दिन भर की सारी खबरों को DNA डेली न्यूज़ एनालिसिस के लिए, और याद रखना 9 बजे मैं इसे रिविज़न कराता हूँ डेली, जहाँ मैं कराता हूँ करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चंस का सीरीज लेके मैं चल रहा हूँ है ना। तो बहुत सारे सेगमेंट्स में लेके चलता हूँ, बस पर्पस ये रहता है कि जैसे स्कोर हम एग्ज़ाम दें तो हमारा स्कोर उसमें अच्छा हो। तो अगेन सभी को थैंक यू। बेटा तिवारी क्या डाउट है बताओ ना 100 नंबर क्वेश्चन में। हाँ संजय सर, ये श्योर श्योर, मैं वीकली भी कराऊंगा, अगले संडे से मैं वीकली भी कराऊंगा कन्फर्म। थैंक यू, थैंक यू यार, थैंक यू। और जितने भी लोग हैं उन सभी को भाई कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप बहुत अच्छा स्कोर किया, आप लोगों ने अच्छा मेहनत की, आपने पढ़ा, कभी भी स्कोर से मत डरिए। स्कोर कम आया स्कोर ज़्यादा डजंट मैटर, मैटर करता है कि आप में जज्बा था कि नहीं है ना। मैंने हमेशा कहा है कि लाइफ में पहले चलना तो सीखो, दौड़ना अपने आप आ जाएगा है ना। और भी किसी ने कहा है सिलेक्शन हो गया तो हार्ड वर्किंग, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग यही कहेंगे टाइम पास कर रहा था, नहीं समझे। देखो भारत में विभिन्न भांति के लोग हैं, अगर सिलेक्शन हो गया नहीं बहुत मेहनत करता था यार, बहुत मेहनत कर, नहीं हुआ पर टाइम पास करता था, सिलेक्शन हो गया और आप कुछ भी गलत करो नहीं रे वो उससे कुछ सीखता था, और सिलेक्शन नहीं हुआ टाइम पास करता था बस पापा का पैसा वेस्ट कर। ये मानसिकता है लोगों की, तो लोगों की मानसिकता को बदलना होगा है ना। ये मानते हो कि नहीं मेरे बाल भर गए तो लोग क्या कहेंगे, अरे बहुत मेहनत करता था यार बंदा, इसलिए बाल बेचारे को बाल कटवाने का टाइम ही नहीं मिला उसको, अगर सिलेक्शन हो गया तो, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अरे बाल बढ़ा के बस लोगों को दिखाता था, फैशन मारता था इसलिए बाल बढ़ा लिए, समझ रहे हो। ये लोगों की मानसिकता, अगर आप किसी लड़की के साथ घूम रहे हो और सिलेक्शन हो गया तो लोग क्या कहेंगे, नहीं यार कुछ सीख रहा होगा उससे, पूछ रहा होगा तो, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, बस लड़की बाज है और कुछ नहीं। तो लोगों की मानसिकता ऐसी होती है आप ऐसा मत करना, और बस खुश रहिए आप लोग, मेहनत करते रहिए। और हाँ
जो आज मैंने क्वेश्चंस करे हैं उसको एक बार रिवाइज जरूर करना कि अगर दोबारा कभी आए तो छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। बस मेरा यही सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो सभी लोगों को शुभ संध्या, सभी लोगों को आज हैप्पी संडे, इंजॉय करिए, मेहनत करिए, जाइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए, इंजॉय करिए, ठीक है। मिलते हैं कल, आज और कोई नई क्लास नहीं होगी, कल क्लास होगी, ठीक है, कल क्लास होगी 2:12, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।